गया। बच्चों मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा बोर्ड भर दूं, उस पर कुछ बातें हमने करनी है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो बात करना स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना ऑब्वियसली ऑफिशियली पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यार ये बंद करते दरवाजा। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हर लेक्चर का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से मूव करेगा। आज का जो लेक्चर हमारे पास है कॉस्ट क्लासिफिकेशन और बिहेवियर का, उसका इम्पैक्ट आपके मल्टीपल लेक्चर्स के ऊपर है। इट्स मोर लाइक अ टूल कि हम पहली क्लास में टूल की बात कर रहे हैं और वो टूल हमने अप्लाई करना है ऑन डिफरेंट एरियाज। तो आज आपको पहला ओरिजिनल फ्लेवर मिलना स्टार्ट होगा कि बेसिकली कॉस्टिंग का पेपर है क्या। बस मैं इतनी सी बात आपके साथ जो है वो ब्रीफ कर दूं कि कभी आपका मन हुआ या आपके नसीब में हुआ कि आपने कोई दुकान शुकान खोल ली, दुकान से मेरी मुराद है, मैं जरा देसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपने अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर दिया, वो दुकान आपकी लैपटॉप के ऊपर भी हो सकती है, वैसा बात नहीं है। पुराने जमाने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे शटर खोलते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे, आज के दौर में क्योंकि काम ऑनलाइन हो गया है तो लोग लैपटॉप खोलते हुए बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो सेम कहानी है। तो कल को अगर आपने अपना कारोबार करना स्टार्ट किया तो शुरू की स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक, आखिरी स्टेज अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, कारोबार है, छोटी स्टेज से लेके बड़ी स्टेज तक आपको शायद टैक्स और F1 फॉरन से काम नहीं आएगा, लेकिन कॉस्टिंग आपको अर्लियर डेज से काम आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक टॉपिक आगे जाके आएगा डिसीजन मेकिंग का, ग्रुप सी का, रेलेवेंट कॉस्टिंग का, जिसके बारे में मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि इट्स स्ट्रीट कॉस्टिंग। मतलब अगर आप जोड़िया बाजार के अंदर दुकान में हो बैठे हुए तो जोड़िया बाजार के उस मेमन सेठ को वो कॉस्टिंग आती होगी, उसको नाम नहीं पता होगा, आपको नाम आते हैं लेकिन उसे कॉस्टिंग आती होगी। तो यहां पर हमारा हिसाब किताब याद रखें, पूरे कॉस्टिंग के जो थीम है, एक होता है ना लोग पूरी कहानी पढ़ लेते हैं उसको मूवी की थीम समझ नहीं आ रही होती, तो मैं आपको थीम बता देता हूं, मैं आपको बार बार ये बात शेयर करूंगा। आपका काम सिर्फ एक है जो कारोबार में होता है, आपने माल सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, दैट्स इट। अगर आप कोई चीज बना के बेच रहे हो आपने सस्ती बना के महंगी बेचनी, लेकिन बेचनी कितने की है ये मामला बाद में आता है। पहला मामला क्या आता है, बन कितने की रही है, खरीद कितने की पड़ रही है। अगर आप ठेले वाले हो और ठेले पे सब्जी भी बेच रहे हो ना, तब भी आपकी खरीद सिर्फ वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं है, आपको मंडी से शहर आते आते बहुत सारे खर्चे बीच में जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। अगर आप रोड पे खड़े होकर ठेले पे बेच रहे हो और पुलिस वाला आपसे भत्ता चार्ज कर रहा है, तो उस भत्ते की कॉस्ट भी आपने अपने कस्टमर से रिकवर करनी है। तो आपका सिर्फ एक काम है पूरे सिलेबस में, डिफरेंट टॉपिक्स में आपसे एग्जामिनर यही काम जो है वो करवा रहा होगा। इनफैक्ट पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन और बिहेवियर के बाद, क्योंकि दैट्स अ टूल, वो जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है प्रोसेस कॉस्टिंग, वो बेसिकली काम यही कर रहा है कि वो आपको ये बोल रहा है कि तुम फैक्ट्री के अंदर खड़े हुए हो और 100 किस्म के खर्चे हो रहे हैं, अपने मैनेजर को ये बता दो कि मशीन जो रुक भी नहीं रही है, जिसमें कंटिन्यूसली सुबह शाम ये माल बन रहा है, मशीन जो रुक नहीं रही है जिसमें सुबह शाम ये बिजली बन रही है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकाल के बता दो। जब तक ये काम नहीं कर सकते कोई भी काम आगे मूव नहीं कर सकते। तो मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा बोर्ड भर दूं, आपको बता दूं कि ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है, एंड आई विल कीप थिंग्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप मार्केट के अंदर भी बैठ के काम कर रहे हो ना तो आपको समझ में आ रही हो। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल चीज पढ़ रहे हो और आपको इंग्लिश में पढ़ के मजा आ रहा है, या ये स्कूल तो है नहीं कि मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछूं तो आप मुझे उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन जो है वो सुना रहे हो। अगर देखें थीम आपके दिल के अंदर है ना तो आप किसी भी जबान में एक्सप्लेन कर रहे हो वो आपके लिए आसान होना स्टार्ट हो जाती है। तो आए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, 2 मिनट मुझे दें, फिर इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी स्टार्ट करते हैं। अभी आपने कुछ भी अपने रजिस्टर के अंदर नोट नहीं करना, जब आपको बोलूंगा तब छापना स्टार्ट करना।
अच्छा जी सर, जरा बिस्मिल्लाह करनी स्टार्ट करते हैं। अपने पास फिलहाल 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 हर लेक्चर से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो लेक्चर क्या चीज़ का वो कर रहा है कवर। अगर आप कभी गलती से जहमत करके अपने आईकैप की बुक खोलेंगे ना, तो आपको हर चैप्टर के स्टार्ट में भी कुछ लर्निंग आउटकम्स मिल जाएंगे। सो स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस, वैसे तो ये काम हम थ्रू आउट द कोर्स करेंगे। पिछली से पिछली अटेम्प में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट अटेम्प में तो हमने थ्रू आउट द अटेम्प्ट फॉलो किया था। आपका रजिस्टर जो है बड़े अच्छे से हो जाएगा बिल्ड। हर लेक्चर से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी हम 2 घंटे बाद बाहर जब जाएंगे, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हमने क्लास में 2 घंटे में क्या बात की। ऐसा हो कि आप आए, आपने कहा सही, हमने लेक्चर पढ़ लिया, बात समझ आ गई, लेकिन क्या पढ़ा नहीं पता। तो अपने रजिस्टर में जाके आज का अपने सिलेबस का पहला लर्निंग आउटकम नोट कर लीजिए। मैं अनफॉर्चुनेटली बोर्ड पे मेंशन करना भूल गया, और जाफिर जानू ये गेट बंद कर दो। पहला लर्निंग आउटकम नोट कर ले। लर्निंग आउटकम क्या है सर? ये जो भी हमने बातें करनी है ना, ये उसका हेड है कि हमने बेसिकली आज के दिन क्या बात की है। तो पहला लर्निंग आउटकम अपना नोट कर लें, और मैं कोशिश करूंगा तलाब भाई जो लेक्चर पोर्टल पे ऐड हो वो लर्निंग आउटकम के नाम से ऐड होने चाहिए। लास्ट टाइम आधे लेक्चर में था, आधे में नहीं था, इस दफा हर लेक्चर में होना चाहिए। सर लर्निंग आउटकम अपने पास नोट करें, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने चैट बॉक्स में लिख के भेज दिया है। लर्निंग आउटकम नंबर वन, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं सर? आज हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कॉस्ट बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी सर सुनते जाइएगा, प्री अकाउंटिंग एरा, प्री सीए एरा, अभी आप किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन के अंदर जो है वो नहीं आए हैं, और आपके अब्बा ने आपको बोला बेटा चलो बेटा मैट्रिक इंटर हो गया, तुम्हारा ओ लेवल्स हो गया, जितना पढ़ना था तुमने बहुत जो है वो पढ़ लिया है, अब कुछ जो है वो कारोबार किया जाए। तो अगर तुम कोई दुकान पे जाके बैठना स्टार्ट कर देते हो, या तुम खुद दुकान पे बैठ के सेठ जो है वो बन जाते हो, तो दिन के एंड पर, हफ्ते के एंड पर, महीने के एंड पर, साल के एंड पर तुम अपने खाते क्लोज करोगे, ये मालूम करने के लिए कि कितना पैसा बच गया है, और अगर बच गया है तो मैं पैसा घर ले जाऊं। अभी जरा अपने अकाउंटिंग की नॉलेज को ना थोड़ा साइड पे कर देना, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोग उस परसेप्शन के साथ आए हो, तुम लोगों ने आईए जो है वो किया, तो तुम लोग नॉर्मली आदत दन जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ये बनाते हो। और भाई अगर मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूं तो मैं साल का वेट नहीं करूंगा, मेरी दुकान है ना, तो मैं तो हर 4 घंटे बाद देखूंगा कितना मुनाफा हुआ, गल्ले में कितना पैसा पड़ा हुआ है। मैं तो हर रोज के बाद चेक करूंगा कितना हो रहा है प्रॉफिट। तो याद रखें, दुकानदार का कोई असूल नहीं होता, वो IFRS नहीं फॉलो कर रहा, उसका मन फॉलो कर रहा है। तो मुझे अगर अपना प्रॉफिट निकालना है, तो एक दुकानदार को प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर कोई बंदा IQ के बाहर घूम रहा है, उसको CA का नहीं पता ना, मुनाफा निकालना उसको भी आता होगा। मुनाफा निकालना इतना सिंपल है, सिर्फ 2 चीजों की आपको जरूरत है। किन 2 चीजों की सर? मोटा मोटा हिसाब किताब रखो, देसी जबान में कितना माल बेचा ये देख लो, अब उसका नाम तुम सेल रखो, इनकम रखो, कैश रखो, दुकानदार को नहीं पता ना, मैं अभी नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ। और ये देख लो वो माल बेचने के लिए तुम्हें खर्चा कितना करना पड़ा, दैट्स इट। तो दुकानदार अगर अपना हिसाब लगाना स्टार्ट करे, या कोई देसी सेठ अपना हिसाब लगाना स्टार्ट करे, वो बोले यार सही है, मैंने ना टोटल मिला के 5 करोड़ का माल बेचा, और ये पूरा माल बनाने में, सब कुछ देने दिलाने में, बिजली का बिल सब कुछ दे दिला के 3 करोड़ रुपए मैंने जो है वो पे कर दिया, इसमें टैक्स भी शामिल। सेठ ने हिसाब लगाया कितना पैसा गया, उसको इस बात से गर्ज नहीं है, वो तुम लोग क्यों किया करते थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। सेठ बोले इतनी लंबी नहीं करो, मुझे पैसा घर लेके जाना है, मुझे ये बताओ कितना पैसा आपने दिया। अकाउंटेंट को सामने बिठाया, पढ़ा लिखा अकाउंटेंट, कैफ क्वालिफाइड, 15,000 रुपए के ऊपर, उसको बताया, उसको बोला मुझे बताओ कितना हिसाब किताब बन रहा है। उसने कहा सर सब कुछ दे दिला के 30 मिलियन बच रहा है। उसने कहा अभी कितना बचा हुआ है? 20 मिलियन। इसमें किसी को पे करना है? नहीं सर, इसमें जो आपने किसी को पे नहीं करना, बस सेट हो गया। इस 20 में 10 मैं अपने घर ले जाता हूँ डिविडेंड, बाकी 10 कारोबार में दोबारा लगा दो, ताकि इसको री इन्वेस्ट करें रिटेन अर्निंग। ये नाम आपने रखे हुए, सेठ को नाम से गर्ज नहीं, उसको ये पता है पैसा कितना बचा हुआ। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकालना है, तो मुझे सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। किन 2 चीजों की? सेल्स और कॉस्ट। अच्छा ये जो कॉस्ट आपने सिंपल सी बात बोल दी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी बनता है, ऐसे ही बनता है, लेकिन यही प्रॉफिट एंड लॉस वो जो कैश क्वालिफाइड सामने बैठा है 15,700 रुपए का,
वो तो नौकरी करने आया हुआ है, उसको तो सेठ जैसे मजे नहीं आ रहे। तो सेठ का कारोबार तो कारोबार फैलाना है, लेकिन वो जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसका काम है कंप्लायंस करना, लॉ ने अगर कुछ बोला हुआ है तो फॉलो करना। अगर आप अकाउंटेंट बैठ के सेठ को समझाएगा कि सर कानून में ये लिखा है, तो वो बोलेगा यार मुझे मत समझाओ, तुम देखो तुम्हें इसलिए रखा हुआ है कि ये टेंशन मुझे ना पालनी पड़े। भाई मेरा टैक्स अकाउंटेंट अगर मुझे आके बोले कि ये मसला हो गया है, तो मैं उसको आगे से मैं क्या बोलूंगा, हालांकि मैं खुद इस फील्ड का बंदा हूं, मैं उसको बोलूंगा यार ये मसले मुझे नहीं बताओ, आप मुझसे फीस चार्ज करते हो साल की, तो अगर उसके बाद भी मसले मैंने सुनने हैं तो क्या फायदा हुआ। भाई घर में कोई कारपेंटर आए, वो मुझे बोले यार इस काम में बड़ा मसला आ रहा था, मैं बोलूंगा भाई आपको बुलाया किस लिए मसला हल करने, अगर मैंने हल करना है तो आप जाओ। तो वो जो अकाउंटेंट है ना, उसको ये सेठ को तो प्रॉफिट एंड लॉस उसने जो है वो दिखा दी कमरे के अंदर जाके, लेकिन कमरे के जब बाहर गया तो उसे पता चला कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको SECP के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर है, आपको उनके लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। उनके लॉस में ये है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को करते हैं फॉलो, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस ना इस खास पैटर्न के अंदर बनानी है, जिसमें आपने सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना है, अदर एक्सपेंस दिखाने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह। सर अफेक्टिवली स्पीकिंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, अफेक्टिवली स्पीकिंग जो काम रूम में सेठ ने किया और जो काम अकाउंटेंट कर रहा है, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि रूम के अंदर जाके जो उसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाई थी ना, तो जो प्रॉफिट 20 मिलियन का उसके पास वहां आ रहा था ना, वही प्रॉफिट उसके पास यहां आ रहा होगा। प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, प्रेजेंटेशन में चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया जरा गौर करके मुझे बताएं। सेल्स में से अभी भी कॉस्ट माइनस हो रही है, लेकिन दो हिस्सों में हो रही है माइनस। किन दो हिस्सों में हो रही है माइनस, क्या बात क्लियर हो गई? तो आज के बाद याद रखना, वो जो आईए में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए थे और जो प्रॉफिट एंड लॉस अली अहमद ने आपको दिए देसी जबान में, दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये कॉस्ट को बोल रहा है सारे खर्चे माइनस करो, और ये क्या बोल रहा है, खर्चे को दो हिस्सों के अंदर माइनस करो। किन दो हिस्सों में करो माइनस? सर एक कॉस्ट को जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला करते थे, जिसका फॉर्मूला आपने आईए के अंदर पढ़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेजेस कैरेज इनवर्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद क्या आता था आपके पास इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, फिर आप क्या करते थे, या अदर इनकम कोई हो तो ऐड कर करा के आपके पास नेट इनकम आ जाया करती थी। प्रॉफिट अभी भी 20 मिलियन आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, ये जो 30 मिलियन की कॉस्ट है जो पहले एक झटके में हो रही थी माइनस, अब वो दो झटकों में होगी माइनस। अब अकाउंटेंट बोलेगा यार वो जो खर्चा था ना उसमें 10 मिलियन हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी, फैक्ट्री कॉस्ट थी, और वो जो 20 मिलियन था वो हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी, और 50 में से ये 30 मिलियन निकालने के बाद हम कहां पर आ गए? सर हम वहीं पर आ गए जहां पर हम पहले हुआ करते थे। हाँ एक फर्क आ गया, फर्क ये आ गया मेरी जान कि प्रेजेंटेशन चेंज करने से तुम्हारे खर्चों के बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई। पहले तुम्हें पता था एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिस तरह अगर IQ वाले हिसाब किताब लगाए, इब्राहिम या मुर्तजा हिसाब किताब लगाए कि हम IQ खोले कितना पैसा बच रहा है, तो वो भी यही काम कर सकते हैं। 5 करोड़ की सेल हुई एक साल में, 3 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है, 2 करोड़ रुपया बच गया, एक तुम्हारा एक मेरा। लेकिन अगर वो अपने खर्चों को इस तरह से ब्रेक कर देंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। कैसे? भाई ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, टीचर को हमने इतने पैसे दिए, ये हमारा एडमिन की कॉस्ट है, बिजली का बिल है, कैमरे की कॉस्ट है, रेंट के हैं पैसे, आइडिया हो जाएगा कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगले साल भी सेठ अगर 1 करोड़ रुपया घर लेके जा रहा है, भाई सेठ का तो ये हाल है कि अगर कोई सेठ आपको बोल रहा हो कि हालात बहुत खराब है, वो सही बोल रहा है हालात खराब है, लेकिन उससे पूछ लिया करो कौन से हालात है खराब। क्योंकि हमारे यहाँ एक टॉपिक आएगा डिसीजन मेकिंग में, जहां हम बच्चों को कुछ टीच कर रहे होते हैं, तो जब आपको हम टीच कर देंगे तो आप बोलेंगे सर सेठ तो सही बोलता है। वहां पर हम बच्चों को एक जुमला बोलते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक जुमला बोला जाता है कि जो इनकम होने से रुक जाए उसको खर्चा कंसिडर किया जाता है। हमारी जबान में उसका एक नाम है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, कि जो खर्चा खर्चा होने से बच जाए वो इनकम है। तो सेठ के अगर आपको कभी सामने कोई रो रहा हो, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। एक हमारा सेठ था, वो रो रहा था हमारा कॉलेज अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा अगर ये अच्छा नहीं चल रहा तो अल्लाह पाक ऐसी बुराई सबको दे दे। वो था एक कॉलेज बड़ा बेहतरीन जो है वो चल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा भाई क्यों अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा भाई अच्छा इसलिए नहीं चल रहा कि देखें ये ICAP के नंबर्स हैं। उन्होंने ICAP की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली जिसमें बच्चों के नंबर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा सिंध साइड पे ना बच्चों की नंबर्स में ग्रोथ नहीं है। तो जो 2-3 साल से ग्रोथ थी वो तकरीबन इतने 1000 बच्चे थे, 3 साल में बच्चे 12000 पे पहुंचने चाहिए थे, 8000 थे।
और वो बच्चे 8,000 से 12 के बजाय पहुंचने के बजाय 8,000 से 9,000 के ऊपर पहुंचे, ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो हमारा एक 20-30% मार्केट शेयर है। तो अगर मार्केट ग्रो करती तो हम भी ग्रो करते। तो सेठ ये बोल रहा था कि मेरे पास 2,000 बच्चे आने चाहिए थे, मेरे पास सिर्फ 500 बच्चे आए। वो ये बोल रहा था, पैसों के अंदर बात करता हूं, तो यार मुझे कमाने थे 6 करोड़ रुपए, मैंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए, कितने का नुकसान। वो इसको नुकसान बोल रहा था। मुझे तो उस दिन जिंदगी में पहली दफा समझ आया कि भाई फजूल हमने इसी एसी से किया, असल नुकसान तो इनको पता है किस तरह से कैलकुलेट करना है, हम नुकसान जो है वो किसको बोल रहे होते हैं, जेब से पैसा बाहर निकल गया। सेठ ये नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है, आने वाला नहीं आया, ये भी तो नुकसान है। कस्टमर दुकान पे खड़ा था, सामान खरीद रहा था, इन टाइम पे भाग गया, नुकसान हो गया, वो बोलेगा ये मेरा लॉस है। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग FR1 FR2 FAFR जो मर्जी पढ़ लो यार, इस खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करती। दुकान पे कस्टमर खड़ा हुआ था, भाग गया, इवेंट हुआ तो नहीं ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगी। लेकिन भाड़ में गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, रियल लाइफ में उसको अकाउंट फॉर किया जाता है। आसान मिसाल दूंगा, फौरन समझ में आएगी। मुझे किसी देसी बाबे ने ये बात बताई थी कि किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो ना, तो पैसों का मामला उसकी जेब के ऊपर रख दो, उसको फौरन समझ में आ जाएगा। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे एक दादा हुआ करते थे, उन्होंने मरते मरते तुम्हें एक अपार्टमेंट गिफ्ट में दे दिया। तुम्हें पता ही नहीं था कि कोई दादा भी एग्जिस्ट किया करते थे, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुम्हें बड़ी खुशी हुई, दादा थे और अच्छे थे, जाते जाते अपार्टमेंट देकर गए और तुम्हें गिफ्ट में दे दिया, जो करना करो। तुमने कहा यार ये अपार्टमेंट तो मैं संभाल के रखूंगा, शाहरा फैसल पे मेन जगह पे अच्छा अपार्टमेंट है 5-10 करोड़ रुपए का। तुमने कहा ये मैं सीए करने के बाद, शादी के बाद बेगम के साथ यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, तब तक मैं अपार्टमेंट पाक साफ रखूंगा, अभी तुम्हें कारोबार करना नहीं आया। अब जाहिर सी बात है अपार्टमेंट अगर बंद है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन पे करेगा, आपने पे करनी है। जो जाहिर सी बात है अगर कोई रिहायश पजीर होता तो वो पे कर रहा होता। तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस 10,000 रुपए की थी पर मंथ, एक साल अपार्टमेंट आपका बंद रहा, 1,20,000 आपकी जेब से बाहर गए। ऐसा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड जो है वो कटेगी, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा बाहर गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी का। सर लेकिन एक खर्चा और है, आपकी बैठक ना मेमनों के साथ थी, तो किसी मेमन दोस्त को आपने बताया अबे यार वो दादा मर के गए थे, मैं बड़ा खुश था, अपार्टमेंट मिला था, 1,20,000 का खर्चा पड़ गया। उसने कहा पागल हो गए हो तुम, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा नुकसान साल का 1,20,000 का नहीं है, तुम्हारा नुकसान साल का 13,20,000 का है। उसने कहा यार ये 12,00,000 कहां से आए। उसने कहा साले तूने अपार्टमेंट बंद रखा बेवकूफ आदमी, अपार्टमेंट अगर रेंट पे दे देता तो तेरे दो फायदे थे। दो फायदे कैसे, एक तो तुझे एक पेटी का रेंट आता जेब में हर महीना, प्लस जो जेब से अपने 10,000 रुपए दे रहे हैं वो भी नहीं देने पड़ते, तो अपार्टमेंट रेंट पे ना देके तूने 13,00,000 का नुकसान किया। अच्छा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने का नुकसान रिकॉर्ड कर रही है, 1,20,000 का, क्योंकि दूसरा वाला खर्चा तो हुआ ही नहीं। लेकिन असल में रियल लाइफ में जब जेब पे बात पाएगी तो आपको ये बात समझ आ रही है, हाँ यार साला 12,00,000 रुपए आ सकते थे मेरे पास और नहीं आए, नुकसान हो रहा है। तो अगर अगले साल तुम उसको रेंट पे दे दो, उस 12,00,000 के नुकसान को देखते हुए रेंट पे दे दो, तो क्या हो रहा है सर, ना सिर्फ 12,00,000 रुपए आ रहे हैं, वो जो 1,20,000 जा रहे थे वो भी, तो 13,00,000 का मुनाफा हो रहा है। तो रियल लाइफ में फैसला कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर नहीं होता। तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मसला क्या है, वो बहुत सारे खर्चे रिकॉर्ड ही नहीं करती है, जो खर्चे रियल लाइफ में सेठ देख रहा होता है, जो रियल लाइफ में हो रहे होते हैं। तो ऑल इन ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लायंस मैटर को जो है वो डील कर रही होती है। तो तुम पहले दुकान पे थे बैठे हुए, तुमने जिंदगी भर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी देखी, इनकम में से कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट बच गया, दैट्स इट। फिर तुम सीए के अंदर आ गए, तुमने पीआरसी पढ़ा, पीआरसी में तुमने आईए पढ़ा, तुम्हें पता चला अच्छा भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, और तुमने प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बना ली। इन दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बच्चे बाद में आए हैं, इन दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, प्रॉफिट अभी भी सेम आ रहा है, बस आपकी कॉस्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई। क्या इंप्रूव हो गई, आपने कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, किन दो हिस्सों में, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। याद रखना ये फॉर्मेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, याद रखना हमारा फॉर्मेट ये वाला है, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। याद रखना सीएमए का एग्जामिनर पेपर में जब सवाल देता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस फॉर्म के अंदर जो है वो दे रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी प्लेट में रख के खाना जो है वो नहीं देना चाह रहा। तो आपका पहला काम क्या होता है, सवाल तो बाद में सॉल्व होगा, पहले ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो आपको सवाल के अंदर जो नीचे बुलेट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर, आपको पता है कि एग्जाम बनता है ऐसे, अगर नहीं पता बता दूं, साला जो पॉइंट यहां दिया हुआ है ना उसका बुलेट पॉइंट वो रजिस्टर के अंदर जो है वो दिया हुआ होगा, ढूंढ के निकालो बाहर। उन सारे पॉइंट्स के थ्रू तुम्हें इस प्रॉफिट एंड लॉस को कन्वर्ट करना है इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
याद रखेंगे बात, इससे ज्यादा सिंपल मैं इस बात के साथ नहीं कर सकता कि बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन लर्निंग आउटकम तुम्हारे रजिस्टर में, कोई तुमसे पूछे कि दो घंटे के अली अहमदी क्लास में तुमने क्या सीखा, तो सिंपल एक बात बोल देना, सर कॉस्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है कि खर्चा आ कहां से रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा फिर आपने नोट किया, मैंने भी आपको जब आईक्यू की एग्जांपल दी तो मैंने टीचर की सैलरी को प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई किया, एडमिन की सैलरी को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई किया। फैक्ट्री के केस में हर वो खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है जिसको हमारी जबान में प्यार से फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद हर वो एक्सपेंडिचर, हर वो एक्सपेंडिचर जो बाकायदा प्रोडक्ट बनने में यूज हो रहा है। अब आपने फैक्ट्रियां तो नहीं घूमी हुई लेकिन आईक्यू के अंदर तो आप हैं, सीए कॉलेजेस आपने जो है वो देख लिए। अली अहमद की सैलरी कहां पे फॉल करेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों, हमारा कोर काम क्या है, समोसे बनाना, नहीं, हमारा कोर काम क्या है, टीचिंग। अच्छा कौन सी वाली टीचिंग, हम स्कूल के बच्चे को टीच कर रहे हैं, नहीं, कॉलेज, नहीं, हम क्या टीच कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा कोर काम सीए क्वालिफिकेशन है, तो सीए क्वालिफिकेशन के अंदर जो टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है उसकी सैलरी क्या हो जाएगी। ये पंखा, ये बिजली का बिल, ये कैमरा, ये सारी की सारी क्या है, नहीं, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्यों, ये जो बिजली खर्च हो रही है ये कहां पे खर्च हो रही है, डायरेक्ट कोर एक्टिविटी के अंदर, ऐसा ही है। लेकिन बिजली तो मेरी जान पूरे आईक्यू में खर्च हो रही है, बाथरूम में जाओगे बिजली वहां भी है, नीचे एडमिन ऑफिस में भी है, कैंटीन में भी है, नमाज एरिया में भी है, लाइब्रेरी के अंदर भी है, वहां का जो बिजली का एक्सपेंडिचर है प्रोडक्शन कॉस्ट है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम जो एसी इस वक्त खा रहे हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है आईक्यू के लिए, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, और वो जो बिजली एडमिन में यूज हो रही है वो, ये क्लासिफिकेशन, ये नाम हमने रखे हैं कि भाई हमें आइडिया हो जाए कौन सा खर्चा दुकान के ऊपर हो रहा है, कौन सा खर्चा दुकान के अलावा एडिशनल एक्सपेंडिचर हमें जो है वो इंकर करना पड़ रहा है। सर प्रोडक्शन कॉस्ट में हर कॉस्ट जो आती है उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। अच्छा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को अभी आप सिलेबस में आगे जब बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी जगहों के ऊपर सपोर्ट सेंटर भी बोला जाएगा। तो नामों से परेशान नहीं होना, नाम तुम लोग खुद रखना स्टार्ट कर दोगे कुछ ऐसे बात तुम्हें गेम समझ में आ जाएगी। जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें सपोर्ट डिपार्टमेंट बोला जाता है। अच्छा मेक सेंस, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है। नीचे ओवैस कासमानी क्यों बैठा हुआ है, फीस तो नहीं करता, वो क्या करता है, वो ओवैस कासमानी क्या करता है खुद उसे भी नहीं पता है, पंचे खेलता है, बच्चे घेरता है। चलो तुमने अच्छा अच्छा वर्ड यूज किया, बच्चे घेरता है, कुछ और बोल देते और मसला जाता। हाँ मार्केटिंग के अंदर है। हाँ और नीचे जो हमारा एडमिन में उमर भाई बैठे हुए हैं अकाउंट्स ऑफिस में, और वो क्या नाम है दूसरे का, बिलाल बैठा हुआ है, उनका क्या काम है, पैसा घेरता है, वैसे बच्चे घेर रहा है वो पैसा घेर रहे हैं। नीचे शहूद लोग बैठे हुए हैं, अरसलान बैठा हुआ है, टाइम टेबल डिपार्टमेंट, क्या काम है उसका, सपोर्ट देना। बेसिकली ये कोर काम नहीं कर रहे लेकिन कोर काम करने वालों को सपोर्ट दे रहे। देखिए दुकान भी अगर आपने ऑपरेट करनी है तो दुकान के अंदर भी बहुत सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है। आप मार्केट जा रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं, उसके बगैर आपकी दुकान ऑपरेट नहीं हो सकती। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, नॉर्मली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास आती है मार्केटिंग कॉस्ट। अब आप उसको मजीद हिस्सों के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर एक्सपेंसेस, ये कौन सी कॉस्ट है और ये कौन सी कॉस्ट है। अब आपने कहा जब दोनों का फोल्डर खोलूंगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है, नॉन प्रोडक्शन में क्या क्या आता है। सर नॉन प्रोडक्शन में सारी सपोर्ट एक्टिविटी आती है, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग, मिसाल के तौर पे एडमिन, चलो, और मिसाल के तौर पे एचआर, मिसाल के तौर पे, और भाई तुम लोगों को भी तो जॉब देनी है, फाइनेंस, और मिसाल के तौर पे आईटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पे फोटोकॉपियर। हर कंपनी के अंदर नहीं होता, हमारी कंपनी के अंदर है, क्या ये बात ज्यादा क्लियर होती है। अच्छा जरा ध्यान से बात सुनना, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां आ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां आ रहा है, प्रोडक्शन में कि नॉन प्रोडक्शन में। अच्छा ये मैंने आईक्यू के लिए बात की है, ये मैंने नॉर्मल कंपनीज के लिए बात की है। अगर मैं किसी ऑडिट फर्म के लिए बात करूं तो ऑडिट फर्म के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां पर आएगा। सर क्योंकि ऑडिट में तो मेन काम ऑडिट करने का, इंश्योरेंस करने का, टैक्सेशन करने का, वो उनका कोर काम है, तो उनके लिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा। रुक जाओ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहां फेंका है मैंने, नॉन प्रोडक्शन। आपने अपनी कंपनी खोली है जिसका काम ये है,
कि कस्टमर ऐप पे जाके आपकी कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करता है कि हमारे घर में एसी हो गया खराब, और वो अपना बंदा आपके पास भेजते हैं, कंपनी का काम मेंटेनेंस का है, तो उनके लिए मेंटेनेंस कहां पर आएगा? वेरी गुड, बात समझ में आती जा रही है। तीसरी बात सुनना, आईक्यू के जनरेटर के अंदर पेट्रोल रखा हुआ है, फ्री का नहीं आता पेट्रोल, अलग एक दिन बिजली जो है वो चली जाए, 20-30 लीटर पेट्रोल जाए, 5-6 हजार का रोज का एक्सपेंडिचर, रोज का, ये बिजली के बिल के अलावा है, ये जो महीने का हमारा फ्यूल का एक्सपेंडिचर आ रहा है 1.5-2 लाख रुपए का जनरेटर के अंदर, ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे सपोर्ट के लिए हमने जो है वो रखा, हमारा काम तेल बेचने का नहीं है, लेकिन पीएसओ के लिए तेल कहां आता है? क्यों सर? उनके लिए वो इन्वेंट्री है और हमारे लिए वो सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर। तो आपको एक बात समझ आ गई सर, इसका मतलब ये हुआ कोई भी कॉस्ट अपने साथ जब पैदा होती है तो अपने चेहरे पे लिखवा के नहीं आती कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट है कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी में कौन सा एक्सपेंडिचर हो रहा है। आईक्यू के लिए ट्रेनिंग की कॉस्ट, टीचर की कॉस्ट, मैं आपको ट्रेन करने आया हूं ना, लेक्चरर की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई होती है, क्योंकि आईक्यू का काम ही यही है। लेकिन अगर मुझे कोई बैंक हायर कर ले, कोई कंपनी हायर कर ले कि हमारे स्टाफ को आपने ट्रेन करना है ताकि हमारा स्टाफ अपने फाइनेंस के काम प्रॉपरली जो है वो कर सके, तो बहुत सारी कंपनी में होती है ट्रेनिंग, तो उनके लिए मेरी कॉस्ट कहां पर आएगी? प्रोडक्शन में, नॉन प्रोडक्शन में, क्योंकि वो कॉलेज नहीं है। एक और एग्जांपल, आगा खान हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हायर हुआ है उसकी कॉस्ट हम कहां क्लासीफाई करेंगे? आगा खान वाले कहां क्लासीफाई करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, आईक्यू वालों ने भी एक डॉक्टर हायर कर लिया महीने दो महीने के लिए, रिजल्ट आ रहा था, बच्चे रिजल्ट देखेंगे तो बेहोश ना हो जाए, साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया, अगर अब मेंटोरिंग की जरूरत है बच्चे को, तो मुझे बताएं आईक्यू के अंदर डॉक्टर किस कॉस्ट में क्लासिफाई होगा? लॉ फर्म में वकील, प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी और कंपनी के अंदर वकील, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। टैक्स फर्म में अकाउंटेंट, मेन कोर कोर काम, प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन टैक्स फर्म भी अगर अंदर, सिक्योरिटी गार्ड हमारे लिए, आईक्यू के लिए, और सिक्योरिटी फर्म के लिए, गेम खत्म हो। तो बेसिकली इफेक्टिवली स्पीकिंग आप जब कॉस्ट को ब्रेक कर रहे होते हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, आईए के अंदर, हमने कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक किया, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा सर, प्रोडक्शन कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर हो रही होती है उसमें भी हमने कुछ नाम रखे हुए, मिसाल के तौर पे फैक्ट्री के अंदर जब माल बन रहा होता है तो एक एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट का कोर कॉम्पोनेंट होता है उसको हमारी जबान में रॉ मटेरियल बोला जाता है। अब रॉ मटेरियल हर प्रोडक्ट का डिफरेंट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं चीनी बना रहा हूं तो रॉ मटेरियल मेरे केस में क्या होगा? अगर मैं ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं या ऑयल रिफाइन कर रहा हूं माजरत, तो उस केस में मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? क्रूड ऑयल, वो जो रॉ फॉर्म के अंदर, कीचड़ की फॉर्म में, ब्लैक कलर के अंदर आता है, उसको फिर हम रिफाइन करके तेल बना रहे होते हैं। अगर मैं आइसक्रीम बना के बेच रहा हूं तो मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? आइसक्रीम नहीं खाते, चलो। अगर मैं चाय बना के बेच रहा हूं तो दूध, चीनी, पत्ती, ऐसा ही है। अगर मैं फास्ट फूड बना के बेच रहा हूं तो आलू, मुर्गी, ये तो मेरा रॉ मटेरियल है। तो याद रखें, रॉ मटेरियल कॉस्ट। सर दूसरा, उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम करने वाला एक मजदूर भी होता है जिसको हमारी जबान में लेबर बोला जाता है। अभी लेबर की भी क्लासिफिकेशन आई। अच्छा, ये सारी बातें अगेन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखी हुई होती। ये बातें जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में आना स्टार्ट करते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि भाई, अब प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको बोलते थे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट खर्च हो रही होती थी। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, ये बात आप पढ़ के आ चुके हैं, आपको याद नहीं है, पता है आपने पहली दफा ये बात कहां पढ़ी थी? आपने पहली दफा ये बात तब पढ़ी थी, पहली दफा इसकी एक्नॉलेजमेंट सबकॉन्शियसली आपको तब हुई थी जब आपने आईएमए का एक्सपेंडिचर पढ़ा था, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ट। आसान भाषा में बात करूं तो कैरेज इनवर्ट और कैरेज आउटवर्ट दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन एक एक्सपेंडिचर को तुम कहां फेंकते हो? कैरेज इनवर्ट कहां पर आता है? इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इन योर लैंग्वेज प्रोडक्शन कॉस्ट। कैरेज आउटवर्ट कहां आता है? है तो दोनों ट्रांसपोर्ट का बिल, कंपनी भी एक ही है, उसने तुम्हें बिल बना के भेज दिया कि फला रूप में जो सामान भेजा था उसके इतने पैसे 80,000 का बिल पे कर दो। तुमने बिल पे कर दिया, लेकिन जब तुम रिकॉर्ड करने गए तो तुमने 30,000 यहां फेंके, 50,000 यहां फेंके। तुम क्या करना चाह रहे हो? ट्रांसपोर्ट का बिल तो 80,000 का था, तुमने उसको ब्रेक क्यों कर दिया भाई? तुमने इसको ब्रेक क्यों किया था? मुझे नहीं पता ना कैरेज इनवर्ट कैरेज आउटपुट क्या है, मैं भूल गया, आप बता दें। आप लोग यही बोलते हैं कैरेज इनवर्ट या कुछ और नाम है? मुझे नाम नहीं पता, यही नाम है
सर तो ये ट्रांसपोर्टेशन का 80,000 का बिल था, तुमने 200 में ब्रेक कर दिया, क्यों? ये समझने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए कि बेटा 30,000 का जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर था ना, वो फैक्ट्री में माल लेके आने के लिए हुआ, 50,000 का एक्सपेंडिचर कस्टमर तक सामान भेजने के लिए हुआ है, वो हमने प्रमोशन के तौर पे किया एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली खर्चा वही है, लेकिन बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रही है। सर तीसरा एक्सपेंडिचर आपके पास हर प्रोडक्ट में होता है, एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस एक बड़ी मजे की चीज, आप में से कितने लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है? वेरी गुड। वो लॉ की बुक में ना एक जगह पता नहीं कहां पे लिखा हुआ है, बच्चे अक्सर उसकी मीम बना के शेयर कर रहे होते हैं कि हमारी बुक की जो है वो डेफिनेशन कितनी मजे की है। मेरे ख्याल से पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन है, एनी कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बुक में लिखा हुआ है तो मैं भी वही बात बोलूंगा। सर आप एक्सपेंस क्या होता है? जो ना रॉ मटेरियल है ना लेबर है वो क्या हो जाएगा? सर अगर यही करना था तो हमारे यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? सर ये जो पानी की बोतल है, इट्स अ प्रोडक्ट फॉर पेप्सी कंपनी। अब लेबर तो फैक्ट्री में होगा, इसमें रॉ मटेरियल क्या है? इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है? प्लास्टिक और कैप और पानी और रैपर जो इसके ऊपर, ऐसे ही है। सर अगर आपकी डेफिनेशन मटेरियल की ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये पानी की बोतल पीने के बाद इसका प्लास्टिक ढक्कन और रैपर खा जाते हैं, ऐसा होता है? मुझे बताएं, ये पानी की बोतल पीने का प्राइमरी इंटेंशन क्या है? पानी की बोतल बाय करने का प्राइमरी इंटेंशन क्या है? सर पानी चाहिए। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग इसमें रॉ मटेरियल क्या है? सर तो ये बाकी चीजें क्या है? ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर रहे, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो क्या हो गया? एक्सपेंस। सर ये आता है पैकेजिंग के अंदर, एक्सपेंस। सिमिलरली ये मार्कर आपके पास है, नियत क्या है इसकी यूज करने की? लिखना है। तो अगर एज्यूमिंग ये वन रिफिल के अंदर काम कर रहा है, तो इसकी इंक मेरे पास रॉ मटेरियल हो जाएगी, लेबर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। सर ये क्या चीज है? ढक्कन कैप वगैरह, ये सब पैकेजिंग के अंदर आएगा, एक्सपेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, चाय का होटल। चाय का होटल के मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एक वाहिद ऐसा बिजनेस है जो तुम सबको मालूम है और हमारे शहर में पी भी बहुत जाती है। सर चाय के कप में जो आप चाय के पैसे दे रहे हैं, आप दूध पत्ती और उसकी चीनी और उसका जो लेबर उसने काम किया, उस पर पैसे दे रहे हैं। वो जिस प्लास्टिक में आपको चाय का कप दे रहा है, जिसके वो 5 रुपए से चार्ज कर रहा होता है, वो प्लास्टिक का कप रॉ मटेरियल है? नहीं सर, ना वो रॉ मटेरियल ना वो लेबर है, वो किस में आ जाएगा? एक्सपेंस में। तो जो ऊपर के एक्सपेंडिचर होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, उनको हमारी जबान में एक्सपेंस बोला जाता है। अच्छा सिमिलरली सर ये सारे एक्सपेंडिचर, अभी मैं आगे जाके बात जो है वो करूंगा, ये मैं ब्रीफ बात कर रहा हूं, इनको हमारी जबान में डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्यों बोला जाता है, ये सारी कहानी बात की। लेकिन फैक्ट्री में क्या सिर्फ मटेरियल लेबर और एक्सपेंस हो रहा होता है खर्च? सर ये पानी की बोतल बनाने के लिए, मार्कर बनाने के लिए आपको और भी एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मशीन की मेंटेनेंस करनी है, तो मशीन की जो मेंटेनेंस है, अब जरा ध्यान करना प्लीज, मशीन की जो मेंटेनेंस है वो किस के अंदर आ रही है? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। अच्छा बिजली का बिल, मशीन का जो बिजली का बिल है वो किसके अंदर आ रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। अच्छा मशीन का जो गार्ड है, सुपरवाइजर बाहर खड़ा हुआ है, वो किसके अंदर आ रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। हर वो खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर। अच्छा आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो नॉन प्रोडक्शन के अंदर भी आ रही है, वही वाली बात मैं आपको बोलूंगा। तुमने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को 200 में ब्रेक किया था, किन 200 में ब्रेक किया था? कैरेज इन्वर्टर, आईक्यू के बिजली के बिल को तुमने 200 में डिवाइड किया था, किन 200 में डिवाइड किया था? क्लास में जो बिजली खर्च हो रही है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो एडमिन ऑफिस के अंदर हो रही है वो। तो यार तुम्हें ये बात समझ आ गई है? तो अगर मैं यहाँ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं, तो ये वाली मेंटेनेंस कौन सी है? सर ये सपोर्ट डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस है। और ये वाली मेंटेनेंस कौन सी है? सर ये मशीन की, कोर डिपार्टमेंट की। तो हर खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है उसे क्या बोला जाता है? दैट्स इट। Then comes the management accounting, cost and management accounting. सेठ ने कहा प्रॉफिट अभी भी मेरा सेम है, मुझे प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। सर लेकिन मेरा प्रॉफिट अभी भी सेम है, कितना प्रॉफिट है मेरा? 20 मिलियन। सेल कितनी थी मेरी? 50 मिलियन। कॉस्ट कितनी थी मेरी? 30 मिलियन। यहां पर मैंने क्या किया? कॉस्ट तो सेम थी, उसको 200 के अंदर ब्रेक कर दिया। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, एक्सपेंडिचर जो 30 मिलियन का सेम है, उसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेगी। एक हिस्से का नाम रखेगी वेरिएबल कॉस्ट, और एक हिस्से का नाम रखेगी फिक्स कॉस्ट।
और जब मैं ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, अगेन यू विल एंड अप इन द सेम प्लेस। लेकिन जो तुम्हारे 30 मिलियन के एक्सपेंडिचर थे, उनके बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मजीद इंप्रूव हो गई। क्या इंप्रूव हो गई? क्योंकि जो 3 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, ये दो टाइप का एक्सपेंडिचर है, वेरिएबल और फिक्स। अच्छा, अब तुम्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। ये प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन की क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर रही है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल से मुराद हर वो एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी के साथ लिंक हुआ है, एक्टिविटी होती जा रही है, कॉस्ट आपकी इनकर होती जा रही है। चाहे वो खर्चा क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो खर्चा नीचे एडमिन ऑफिस के अंदर हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है। इस बात से गर्ज जो है वो किसको है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों को। मुझे बताएं कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं, आईक्यू की बात करें पहले, आसान जबान करें, कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो क्लासेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल, रेंट एक्सपेंडिचर क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नॉन एक्टिविटी डिपेंडेंट है? सर अगर क्लासेस होंगी तो रेंट ज्यादा देना है, नहीं होंगी तो रेंट नहीं देना, ऐसा होता है? कैसा होता है? रेंट देना ही देना है। तो पिछले महीने जब एग्जाम हो रहे थे क्लासेस नहीं हो रही थी, रेंट सेम था। अभी इस महीने और अगले 2 महीने क्लासेस मन के हो रही होंगी, रेंट के ऊपर कोई आएगा चेंज? नहीं। इसका मतलब मैं रेंट को कहां पे क्लासिफाई कर सकता हूं? चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो बस आपने एक बात छोटी सी जो है वो सीखनी है, हर वो एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी डिपेंडेंट है, काम होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, वेरिएबल कॉस्ट, और अगर एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है तो ओएस का आसमानी की सैलरी काम के ऊपर डिपेंड करती है, कितना काम आएगा या बस सैलरी फिक्स है? तो अगर फिक्स है तो उसको मैं यहां फेंक देता हूं, एडमिन सैलरीज। लेकिन ये भाई ने बोला कि सर ओएस का आसमानी घेरता है, इसी को जो है वो घेरा होगा। तो अगर ओएस का आसमानी को बच्चे घेरने के पैसे मिलते हैं कि एक बच्चा घेर के लाओ, जब भी फीस आएगी तो तुम्हें 3,000 की दिहाड़ी मिलेगी, तो ओएस को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो वेरिएबल है कि फिक्स है? ये वाले पैसे सर इसके जो है वो, इसको हम कमीशन बोल देते हैं, तो वो पेपर में बच्चा घेर नजर अच्छा नहीं लगता बोलना इस तरह से। अच्छा सर, बिजली का बिल क्लास पे डिपेंड कर रहा है कि क्लास के बगैर भी डिपेंड कर रहा है? मतलब कॉलेज में काम होगा तो बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा? सर लास्ट महीने क्लासेस नहीं थी तो बहुत सारे रूम बंद पड़े हुए थे, एसी बंद पड़े हुए थे, बिजली का बिल कम आया था। अगले 2-3 महीने में जब क्लासेस बंद की होंगी, बिजली का बिल स्पीड से आ रहा होगा। अच्छा, अगर हम पूरा महीने के लिए कैंपस बंद कर दें, 1 महीने के लिए, तो क्या बिजली का बिल नहीं आएगा? बिजली का बिल तब भी आएगा। इसका मतलब बिजली के बिल में, घर में भी जो बिजली का बिल आता है उसमें साला 2 हिस्से होते हैं, एक गरीब है भूखे नंगोंगे सारे पैसे। आपके तो बिजली के बिल में अब यही हो रहा है ना, केएमसी का कचरा उठाने का पैसा भी आप दे रहे हो, रेडियो का पैसा भी बिजली के बिल में आ रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही वजीर आजम को तो बिजली के बिल में आ रहा है। अगर आप पूरे महीने मीटर बंद रखो, 5-10 हज़ार का बिल आ जाएगा आपके पास। क्या आपने मीटर क्यों लगवाया? मैंने मजाक में एक बात एक दफा बोली थी क्लास में, मजाक में, रिकॉर्डिंग में होगी। पिछली अटेम्प्ट में ना बिजली के बिल बढ़ना स्टार्ट हुए, सबके बढ़ना स्टार्ट हुए, सबको हो रहा था महसूस। आप लोग अगर नहीं भी देते अपना बिल तो आपके अम्मा अब्बा तो दे रहे, तो घर में कुछ आवाज तो आई होगी बिजली का बिल है, नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, आपके अम्मा अब्बा ने आपके सामने जिक्र नहीं किया, या आप बहुत अमीर लोग हैं, या आपने कुंडा मारा हुआ है, अच्छी बात है, सही आपका नहीं खर्चा। लेकिन हमें तो महसूस हो रहा था बिजली का बिल, मतलब जो बिल 20-30 हज़ार का आता था, जब बिजली के यूनिट देखे तो यूनिट थोड़े कम यूज हुए हैं, लेकिन बिल 50-60-70 हज़ार तक का एक बिल, हमने 70 हज़ार का बिल दिया। किसी को बताया तो बोला भाई आपके घर में क्या चलता है? मैंने कहा वो हम खुद भी ढूंढ रहे हैं क्या चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यूनिट का तो नहीं लिखा रहा, बिजली का बिल बहुत बढ़ गया। तो लोगों ने ना सोलर पैनल लगवाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं एक दफा डिफेंस में जा रहा था, लास्ट टाइम एक ए लेवल का कॉलेज था, तो मैं एक दफा कट मारते हुए गया, मैंने देखा हर घर के ऊपर ना छत भरी हुई है सोलर पैनल की। मैंने कहा भाई यार डिफेंस वाले सही जा रहे हैं, साला गरीब आदमी के पास छत ही नहीं होती सोलर पैनल के लिए, और छत आ भी जाए तो छत के सारे पैसे छत में हो जाते हैं खर्च, तो सोलर पैनल के पैसा नहीं रहता। तो आईक्यू वाले भी बाय द वे जो है वो किसी कंपनी से जो है वो कोटेशन रिसीव कर रहे थे कि सोलर अगर हम लगवाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी। मुझे इसलिए पता है कि उन्होंने कहा सर आप कोई जानने वाला हो तो आप बताएं, तो हमने कहा बता देते। तो हमने भी कोटेशन ली, आईक्यू को दी, लेकिन जब वो कोटेशन आईक्यू को लेके दी तो बीच में जब कोटेशन देखी तो हमने कहा ले सोलर तो हम भी नहीं लगा सकते, लेकिन घर में ये डिस्कशन हुआ कि सोलर जो है वो लगा लेते हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है। फिर हमें किसी ने कहा भाई सोलर के अंदर ना नेट मीटरिंग भी होती है, उसका एक अलग एक्सपेंडिचर है, अगर एक्स्ट्रा बिजली बन जाए तो आप वो आपके बिल में ऑफसेट हो जाएगी, आपका बिल कम हो जाता है।
और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तब ये नई नई आइडिया गुमा शहबाज शरीफ की प्रमोट कर रहे। तो मैंने क्लास में मजाक में बोला कि पाकिस्तान में तो साला आवाम को घेरते कैसे, पहले करते हैं प्रमोट, आ जा बेटा पहले स्कीम निकालेंगे, आपने इतने साल से टैक्स नहीं दिया, आप दे 1% दे सब पैसा लीगल, अगले साल से आपकी मारना स्टार्ट करेंगे कि अगर इतने पैसे 10 साल में कमाया तो 11वें साल में क्या किया आप बताओ, अब तो तुम आ गए हमारे पास रेंज में, हमारे अच्छा काम करने वाला फंस जाता। मैंने मजाक में क्लास में बोला कि मुझे तो डर ये है कि जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं बेचारे इसमें कि हमारा बिजली का बिल कम होगा, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट बोले अब तो ये फंस गए हैं, अब तो रेंज में आ गए हैं, तो भाई आज के बाद नेट मीटिंग जो है वो खत्म। मैंने मजाक में बोला था इस उम्मीद के साथ कि नहीं यार अब तो हालात ऐसे हैं, दुनिया में सोलर यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज होगा और अब बिजली बहुत महंगी है। वो कुछ ऐसे पहले न्यूज आई वो DHA में जिन लोगों ने पहले सोलर पैनल जो है वो लगाए थे, जिसको खुद वो लोग प्रमोट कर रहे थे कि आप लगाएं लगाएं लगाएं, अब उनके घर नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए कि तुमने क्यों लगाया। अच्छा उसका रीजन बड़ा अच्छा दिया है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो बिल्डिंग गिर ना जाए हम आपकी हिफाजत के लिए बोल रहे हैं इसको हटाएं, नहीं तो नए पैसे दें, नई दिहाड़ी स्टार्ट हो गई, अब लोग हैं परेशान। वैसे बात बुरी नहीं है, बात सही है ना यार, बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन एक सवाल ये है साला ये हमारे यहाँ पूरी बिल्डिंग बनने के बाद ही बिल्डिंग गिराने क्यों आते हैं। मेरे अपने इलाके में जब जहाँ मैं शिफ्ट हुआ हूँ जौहर में ब्लॉक 14 में, वो 6-7 साल हो गए, हमारे 2 गली पार एक घर है, वो जब से मैं आया हूँ तब से 3 दफा बन चुका है, क्योंकि फटा चल रहा है मुझे लगता है उस बंदे का किसी के साथ, घर गिरा के जो है वो चले जाते हैं। अच्छा कब आते हैं गिराने पता है, जो पूरी 2 मंजिल खड़ी हो जाती है ना, फिर वो बोलते हैं हाँ इसमें ये मसला है, अबे तो जब तू बन रहा था तब तुम सो रहे थे, तो वो पहले देखे, ये बड़ा अच्छा वारदात का तरीका है, पहले फ्री में देकर घेरे, जब पक्का हो जाए उसके बाद आपने जो है वो मारना है इसके ऊपर कि भाई नहीं ये तो देखें सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। भाई अगर एक आप अगर एक डिपार्टमेंट का काम चेक एंड बैलेंस करने का है तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है वो आके देख लिया, आपने लाइसेंस लिया नहीं लिया तभी आप रोक दें, गलत काम किया है, लेकिन आपने दीवार 1 इंच आगे कर दी, दीवार पूरी खींच दी, वो साला देखने वाला भी देख के कुछ नहीं बोलता, वो कह रहा है पहले दीवार पूरी हो जाए, क्योंकि अगर आज रोक दिया तो ये हाथ नहीं आएगा, रुक जाएगा, जब दीवार पूरी हो जाएगी तो पैसे बचाने के लिए काम करेगा। तो हमारे यहाँ तो ये हाल है, तो जरा याद रखें प्लीज, हर एक्सपेंडिचर उसकी हरकत देख कर, तो बिजली का बिल दोनों जगह पे फॉल कर रहा है, तो मैं क्या करूं यार। सर मैं काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं लाइन रेंट ताकि आपको याद रहे, और यहां पे मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूं ताकि आइडिया हो जाए कि ये यूनिट की बेस पे डिपेंड कर रही है। अब काम की बात करते हैं सर, हल्की बातें आपने कर ली, टीचर की सैलरी वेरिएबल है कि फिक्स है? सर ये तो आप बताएं, हमें क्या पता। नॉर्मली टीचर की सैलरी घंटे के ऊपर होती है, घंटे की बेस पर पैसा कमाते हैं, ड्राइवर की तरह, अकाउंटेंट की तरह, वकील की तरह, डॉक्टर की तरह और बाकी तरह सर। लेकिन कुछ टीचर फिक्स सैलरी के ऊपर भी होते हैं, फिक्स आपने कांस्टेंट देंगे, तो मैं काम करता हूं मैं इसको दोनों जगह पे फेंक देता हूं। सर अगर टीचर की सैलरी डिपेंड कर रही है बच्चों के ऊपर, अगर टीचर की सैलरी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर, तो गोज विदाउट सेइंग जितनी क्लासेस होंगी उतना बिल बनेगा, लेकिन अगर फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, चाहे क्लास होना हो उसका बिल बन रहा है, क्या ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा और मुझे बताएं IQ के अंदर फोटोकॉपी का जो एक्सपेंडिचर होता है वेरिएबल है कि फिक्स है? क्यों? अच्छा वो जो हमारा नीचे गार्ड बैठा हुआ है बाहर गेट पर, हमारे जो प्रिंसिपल है सर ओवैस का आसमानी, उनकी सैलरी प्रिंसिपल? अच्छा और एक्सपेंडिचर है मेरे माइंड में ना आ रहा हूं। ओ हाँ हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है पोर्टल का, वो जो पोर्टल आप IQ का यूज कर रहे होते हैं वो आपको अगर फ्री में भी दे दें उसकी भी कॉस्ट है हमारे ऊपर, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी उनसे पैसे चार्ज कर रही होती है। फिक्स में आती है कि वेरिएबल में आती है? नहीं पता आपको तो बता दूं, हमारा जो पोर्टल का एक्सपेंडिचर है वेरिएबल के ऊपर है। वैसे ये जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिया है ये दोनों ऑफर जो है वो दे रही होती है, लेकिन IQ के केस में इसने वेरिएबल के फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। और ये पोर्टल का एक्सपेंडिचर हमारे पास कुछ आइटम ऐसा है जो फिक्स हो गया, नॉर्मली आइटम वेरिएबल होता है, लेकिन IQ वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने ये पोर्टल यूज करना स्टार्ट किया था, इनफैक्ट IQ की वजह से बाकी कॉलेजेस ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया।
तो वो सॉफ्टवेयर वाला वो बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर, वो खुद भी एक सर हैं जो टीच करते हैं, तो उन्होंने एक अमाउंट हमारे लिए फिक्स की हुई है कि भाई आईक्यू के पास जितने बच्चे आएंगे हम उसको देंगे, बस एक आईडी बनाने के पैसे हम जो है वो छोटी सी फीस चार्ज करेंगे। तो उसने हमारे लिए दोनों अरेंजमेंट रखा हुआ है, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी। लेकिन ये मुझे मालूम है कि आईक्यू के पास एक एक्सपेंडिचर पोर्टल में आईडी जनरेट करने का होता है, तो अगर आपको वो फ्री में भी दे रहे हैं ना आईक्यू वाले, तो आईक्यू को फ्री में नहीं पड़ रहा, क्योंकि लेक्चर तो वो आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जब आईडी जनरेट होती है ना, तो आईडी जनरेट होने की 500-800 रुपए की कोई कॉस्ट है, लेकिन आईक्यू ने उसकी अरेंजमेंट बांध के रखी हुई उनके साथ कि अगर इतनी आईडी हो जाएंगी तो हम आपको फिर एक फिक्स अमाउंट देंगे, फिर हम ऊपर की अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो अगर 100 आईडीज है तो हम वेरिएबल के हिसाब से पे कर देंगे, 500 आईडीज हो गई तो फिर हम 100 के हिसाब से पे करेंगे, फिर हमारी अमाउंट फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। सर मुझे एक बात बताइएगा, ये जो फिक्स कॉस्ट आपने फेंकी है इसके अंदर बहुत सारी, अगर मैं वापसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको लेके जाऊं, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और उसमें सॉरी मात्र इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है नहीं, अगेन दोबारा से जरा गौर करें, टीचर की सैलरी प्रोडक्शन कॉस्ट है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, और ये कहां फॉल कर रही है? अच्छा टीचर की सैलरी अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन कहां फॉल कर रही है? इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट के हम दो हिस्से बनाते हैं वेरिएबल और फिक्स, उनका प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई गर्ज? तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं और आप मुझसे ये सवाल पूछ लें कि सर वो जो हम पहले पढ़ के आए थे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, यहां पे मुझे बताएं फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है? बेटा फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, फिक्स कॉस्ट का लिंक है बिहेवियर के साथ। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो जी फिक्स कॉस्ट के अंदर भी दो तरह की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी? एक फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट और एक फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर मैं फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं तो वो क्या है, और अगर मैं हेड ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं तो वो क्या है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन से कोई गर्ज नहीं है। आगे सुने, वेरिएबल कॉस्ट इसके भी दो हिस्से होते हैं, अगर बिजली का बिल फैक्ट्री का आ रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और अगर बिजली का बिल हेड ऑफिस का आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट में भी दो कॉस्ट है, कौन सी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने कॉस्ट के दो हिस्से बनाए हैं वेरिएबल और फिक्स, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास बन रहा है वेरिएबल और फिक्स, ये 12 मिलियन में दो तरह के एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री के भी हेड ऑफिस के भी, प्रोडक्शन भी नॉन प्रोडक्शन भी। इस फिक्स कॉस्ट में भी दो एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से? फैक्ट्री के भी। इसका मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कंसर्न प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, मेरा कंसर्न क्या है? वेरिएबल और। अच्छा यहां पर मैंने क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस के तो नाम क्या रखा, अदर एक्सपेंस माइनस के तो नाम क्या रखा, यहां पर मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस के तो नाम क्या रखा, और फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके वहीं पर एंड अप हो रहा हूं जहां पे पहले एंड अप हो रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे मैं सेठ की दुकान पे बैठूं, चाहे मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करूं, चाहे मैं फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करूं। सिर्फ एक काम ये हो रहा है कि इन पूरे प्रोसेस में मेरी मेरे खर्चों के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। अगर मैं खर्चों को ऐसे ब्रेक करता हूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है कि प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, अगर मैं खर्चों को ऐसे ब्रेक करता हूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के। किसी बच्चे ने एक दफा सवाल पूछा था, पता नहीं किसी के दिमाग में आया, जितना घटिया और बेसिक सवाल हो पूछा करो, सर ये इसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों रखा? उनका भाई आप कुछ और नाम रख लें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, सर क्या मैं पहले फिक्स कॉस्ट को माइनस कर सकता हूं, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लूं? आपकी दुकान है यार, आप जैसे मर्जी करें, किसने आपको मना किया? लेकिन अगर आप उससे लॉजिक पूछ रहे हैं कि यार सेल्स में से सही है आपने कॉस्ट करनी है ना माइनस, वेरिएबल कॉस्ट माइनस की फिक्स कॉस्ट माइनस की, मैं भी वही करूंगा सर, बस ऑर्डर रिवर्स कर देता हूं, पहले फिक्स माइनस करता हूं बाद में वेरिएबल माइनस करता हूं, इसकी थोड़ी तुक नहीं बनती। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट को मैंने सेल्स के साथ पहले माइनस इसलिए किया है कि इन दोनों की नेचर एक जैसी है। नेचर से मुराद अगर काम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, इनकम भी आएगी। इसकी नेचर ऐसी नहीं है, वजह काम हो ना हो यह खर्चा होना है। तो बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट के बारे में ये इंप्रूव हो रही है। सेठ ये बोलेगा, सेठ ने पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस ये बनाई थी, तो फिर सेठ ने इसका क्यों बोला? सेठ ने अकाउंटेंट को बुलाया, इधर आना बेटा, कैश किया हुआ है तूने, 17,000 तुझे हम पे कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताओ अगर मैं फैक्ट्री एक महीने के लिए बंद कर दूं, मेरा दिल कर रहा है, तो क्या होगा?
अकाउंटेंट ने कहा सर आप छोड़े मेरा क्या होगा, वो तुझे पैसे देंगे तो रुक मुझे ये बता फैक्ट्री बंद कर दू तो क्या होगा। उसने कहा सर अगर आप फैक्ट्री बंद कर देंगे ना तो आपके 12 मिलियन के एक्सपेंडिचर बच जाएंगे, खर्चा नहीं होगा। उसने कहा बेटा फिर इनकम भी गई। उसने कहा इनकम भी नहीं होगी और कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो, लेकिन तुम लोगों को तो मैं सैलरी दूंगा तो कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो अगर किसी महीने फैक्ट्री बंद कर दूं तो क्या होगा? अच्छा अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाऊं तो क्या होगा? सर अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। सर फिक्स कॉस्ट अगर बढ़नी होती तो उसका नाम फिक्स क्यों रखा था? तो सेठ को आइडिया हो जाएगा अच्छा दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दुकान बंद करता हूँ 18 मिलियन का एक्सपेंडिचर मुझे बेयर करना पड़ेगा, जितना जितना मैं मजीद काम करता जाऊंगा मेरे पास उतना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, उतना उतना प्रॉफिट आएगा। अच्छा आपने अगर दुकान खोली हो ना तो घर पे मुनाफा ना जाए तो कम से कम एक से की ख्वाहिश होती है कि अगर मैं घर पैसा लेके नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम जेब से पैसा पे ना करना पड़े। तो मुझे बताएं सेठ को कितना पैसा कमाना पड़ेगा कि उसको अपनी जेब से कुछ ना देना पड़े? सर अगर हमारा सेठ 18 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर ले, सेल नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो उस जगह पर आ सकता है जहां वो घर पे ना पैसे लेके जा रहा है ना पैसे दे के जा रहा है। इस चीज को हमारी जबान में ब्रेक इवन बोला जाता है। ये बात के नाम है, ये नाम बाद में रखेंगे। सिंपल पॉइंट ये है, इस कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करने का मकसद खर्चे के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है। हाँ ये सवाल आपके दिल में आ सकता है सर हम एक्सपेंडिचर के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्यों इंप्रूव कर रहे हैं? कारोबार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और मैंने क्लास के शुरू में एक जुमला बोला था, प्रॉफिट कैसे कमाओगे? सस्ता बना के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बनाना, खर्चा। तो खर्चे के बारे में जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं होगी तब तक ना तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ना उसको रिड्यूस कर सकते हो, ना अपनी कोई स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। जब भी मैंने ये बात बोली थी मैं दोबारा बोल रहा हूं, सीएमए तुम्हें रियल लाइफ में काम आ रहा होगा। कल को तुम अपना भी ऑनलाइन कारोबार खोल के बैठ जाओ ना, सबसे ज्यादा कोई पेपर अगर तुम्हारे इस्तेमाल में आ रहा है वो सीएमए आ रहा है। प्रैक्टिकल यूज है, क्लियर तो तुम बाद में करोगे लेकिन क्लियर करने के 8 साल बाद 10 साल बाद तब भी तुम्हें ये चीज काम आ रही होगी। जब सीवीपी के छोटे मोटे ब्रेक इवन के हिसाब के साथ तुम ऑफिस के अंदर बैठ के अपना पर्सनल पर्चे के ऊपर भी हिसाब किताब बना रहे होगे ना तो तुम्हें ये चीज काम आ रही होगी। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, वो अगर करने के लिए तुम्हारे पास इस कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? नाउ विद दैट बीइंग सेड, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हमने कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली। कॉस्ट को किन दो हिस्सों में ब्रेक किया था? प्रोडक्शन कॉस्ट और, तो कीपिंग दैट इन व्यू मैं जरा इस प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए लिख देता हूं यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी होती है जरा ध्यान करना प्लीज। सर हमारे पास कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। सर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इसके अलावा हम कॉस्ट को 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक कर रहे होते हैं। अब आप एक नए नाम सुन रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और अगेन ये मसला है कहां का, लेकिन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और मैनेजमेंट दोनों क्लासिफिकेशन को जो है वो सीख रहे होते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, उनकी अपनी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। हमारे पास दोनों है, हमें उनकी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में भी बात करनी है और हमें अपनी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करनी है। बाय द वे दिस इज एन इंट्रोडक्शन टूल, इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं बना हुआ लेकिन इसके थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको इंप्रूव हो रही है। मैं प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करवाऊंगा इसके बगैर नहीं हो सकता, मैं सीवीपी स्टार्ट कराऊंगा वो उसके बगैर नहीं हो सकता। ये दोनों टॉपिक बेसिकली टूल के तौर पे आपके पास मल्टीपल टाइम यूज होंगे। तो मेरा मशवरा है कि इस लेक्चर को बाद में भी एक दफा रिकैप के तौर पे देख लेना, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। आप बोले सर मैंने इंटर प्री मेडिकल किया हुआ, और तुमने इंटर नहीं भी किया हुआ ना अगर डायरेक्ट 4 साल घर पे बैठ के आ गए हो, तो ये आज का लेक्चर तुम्हारा इतना बेसिक है कि ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर देगा। सर मैंने पीआरसी तुक्के में पास किया, पता नहीं किस तरह पास हुआ, मैंने कोई दुआ पढ़ी थी हो गया, मैंने मुझे नहीं याद मैंने क्या किया और मैं पीआरसी मैंने 5 साल में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का लेक्चर उस बेस लेवल पर है कि तुम सीए की पहली क्लास के अंदर आए हो। यार जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं ओरिएंटेशन क्लास के अंदर कि आपने अभी कैफ सीए दिया ही नहीं है, मैं खुद आपको बोला था ना कि पीआरसी सीए में काउंट नहीं होता, तो इसका मतलब मैं आपको वही ट्रीट कर रहा हूं कि आपकी सीए की पहली क्लास है। तो
तो जिनकी सीए की पहली क्लास होती है, जो सीए का पहला सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या है 1 2 3 पहला सब्जेक्ट, और आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने आए हैं तो मैं आपको उसी लेवल पे ट्रेन कर रहा हूं जिस लेवल पर आप डिजर्व करते हैं कि आपको बेस से ट्रेन किया जाए। अगर आप में से कोई बच्चा अगेन खुदा ना खौस्ता ओ लेवल्स बैकग्राउंड का है तो प्लीज बेयर विद मी, हो सकता है आप बोर हो रहे हो, क्या यार ये तो मैंने बचपन में है पढ़ा हुआ, थोड़ा सा वेट कर लें, बचपन में आपने यकीनन ये काम पढ़ा होगा लेकिन आपका सबर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा क्योंकि ये एकदम से ना शूट करेगा सिलेबस रॉकेट की तरह। अभी हम बेस से जा रहे हैं, हो सकता है आपको बेस आती हो लेकिन क्या पता जो बेस हम बना रहे हैं या जिस बेस की आपको कॉस्टिंग में जरूरत है वो बेस आपके पास ओ लेवल्स में ना हो, और मुझे पता है कि वो नहीं है क्योंकि मैंने वो भी टीच किया हुआ, तो मुझे आइडिया वहां पर क्या हो रहा होता है, कैसा पास पेपर आता है, किस तरह का सवाल होता है। तो हमारी बेस थोड़ी ज्यादा फाउंडेशनल ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो अगर आपको कुछ चीजें आती हैं तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, प्लीज ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम बात बोलूंगा, थोड़ा सा बेयर कर ले, ये चीजें आपको हेल्पफुल जो है वो होंगी। सर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम दो हिस्सों के अंदर ब्रेक करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अब बच्चों से पूछो ना डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, बुक में भी डेफिनेशन है लिखी हुई, वो बोलते हैं कॉस्ट जो डायरेक्टली लग रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कॉस्ट खींच के मार रहे हैं दूर से इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये बच्चे डेफिनेशन। सुनिएगा मेरी बात, एज्यूमिंग दिस मार्कर इज ऑफ वन टाइम यूज, 1000 रुपए का बाई किया मैंने और इसका मकसद है लिखना, मैंने ये मार्कर खोला ब्रांड न्यू मार्कर खोला और मैंने ये बोर्ड पे मार्कर यूज कर लिया, इंक इस्तेमाल हो गई, अब ये नया तो नहीं रहा, 1000 रुपए का तो नहीं रहा, मैंने 1000 रुपए में से कुछ इंक इस्तेमाल कर ली। अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे इस 1000 रुपए की इंक में से जो मैंने इंक यूज की है उसकी कॉस्ट बता दो, बता सकते हो? नहीं सर आप बता सकते हैं लेकिन आपको जहमत बहुत होगी, आप जापान से ना साइंटिस्ट बुलाएं क्योंकि हमारे वाले तो हमने जेल में फेंक दिए, और वो आके आपको बताएंगे कि भाई अल्लाह के बंदे इस मार्कर की ना स्टैंडर्ड इंक चेक कर लो कितनी है, स्टैंडर्ड इंक चेक कर लो इसकी जो है वो कितनी, और जितनी इंक अभी बच गई है इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, इसको एक्सट्रैक्ट करके वेट कर लो और एक्चुअल वेट और स्टैंडर्ड वेट को माइनस कर लो, तुम आइडिया हो जाएगा। तुमने कहा गुड यार अच्छी बात बताई, आप करके दिखाएं, वो आपको ये जो है वो करके दिखाएगा और बोलेगा जो आपने सर को जाके बता दो कि 1000 रुपए के मार्कर में आपने इतने की इंक इस्तेमाल कर लिए, आप बोलेंगे टाइट यार बहुत टाइट बात बताई, सर को तो हम कह रहे थे कि नहीं हो सकता, हो सकता है, थैंक यू। वो बोलेगा थैंक यू छोड़ो, मुझे मैं इतनी दूर से आया हूं उसका पैसा दे दो, कितना बिल बनता है भाई, बोलेगा ज्यादा नहीं आने आने का टिकट, और क्योंकि आपके मुल्क में फ्लड आए हुए हैं तो ये काम फ्री में करके दे रहा हूँ, सिर्फ आने आने के पैसे पे कर दो $10,000। तो जो आपके सर ने आपसे बकवास सवाल पूछा था, इम्पॉसिबल सवाल पूछा था कि क्या इनकी कॉस्ट मालूम कर सकते हो, हाँ हो सकती है सर, लेकिन इस कॉस्ट को मालूम करने का एक्सपेंडिचर इस कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा है। अगर ये सारी कहानी मैं तुम्हें पहले बता दूं और फिर मैं तुम्हें बोलूं क्या तुम कॉस्ट मालूम कर सकते हो, तुम बोलोगे सर ना ही मालूम करो तो अच्छा है, बारे में नहीं पढ़ रही, क्यों? अगर एक चीज को मालूम करने की कॉस्ट उसकी अपनी कॉस्ट से एक्सीड कर रही है तो आप उस खर्चे के ऊपर वजन नहीं जो है वो डालते। इसकी एक आप आसान जबान यूं समझें, मेरी दुकान पे एक बच्चा काम करता है शर्फू, बच्चा अच्छा है उसकी आदत बड़ी बुरी है, उसको मोहब्बत हो गई है किसी से, अब उसको जिससे मोहब्बत हुई है ना वो कहती है इजी लोड कराओ, तो शर्फू वैसे तो नेक इंसान था लेकिन अब शर्फू ने ना गले से 50 रुपए मारना स्टार्ट कर दिए रोज के, रोज के महीने के 1500 रुपए शर्फू आउट कर रहा है। अब शक तो हमें है शर्फू पे लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, जिस दिन पूछेंगे ना हमें पता वो ईमानदार बन जाएगा, बोलेगा मैं आपको चोर लगता हूं 20 साल आपके पास काम कर रहा हूं, तुमने कहा शर्फू को रंगे हाथों पकड़ो। अब शर्फू की चोरी रोकने के लिए रंगे हाथों पकड़ने के लिए दो ऑप्शन हमारे दिमाग में है, ऑप्शन नंबर 1 हमने कहा जाफिर भाई को फोन करते हैं, जाफिर भाई की ना सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी, जाफिर भाई को बोला यार एक गार्ड चाहिए जो हर वक्त शर्फू पे ना ये काम क्यों करके रखे, इधर शर्फू गले में हाथ डाले इधर वो शर्फू पे हाथ डाल दे, रुक क्या कर रहा है, उसको रंगे हाथों पकड़, इतने का सर मसला नहीं है गार्ड अरेंज हो जाएगा, डिस्काउंटेड रेट पे दूंगा आप उस्ताद हो मेरे 10,000 रुपए। हमने कहा चल रुक, फिर हमने फोन मिलाया मुताहिर को, मुताहिर क्या करता है सिक्योरिटी कैमरा लगा के देता है, हमने कहा गले के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है, इधर कैमरे का मुंह वहां पर हो, लेकिन जैसे ही गला खुले कैमरे का मुंह इधर, इतने का सर आपसे कोई बात ही नहीं है लगा के दे देंगे महीने के 6,000 रुपए देते, मुझे बताएं इन दोनों में वारे वाला ऑप्शन कौन सा, कोई भी नहीं है, क्यों?
मैं अगर सस्ता ऑप्शन मिलूं मेरे भाई तो 6,000 रुपए खर्च करके बच क्या रहे? तो बीइंग एन अकाउंटेंट शर्फू की चोरी रोकोगे कि नहीं? उसकी चोरी रोकना बारे में नहीं पड़ रहा, इकोनॉमिकल नहीं है। आप में से जिन लोगों को मूवीज का शौक है और गाड़ियां ड्राइव करने का शौक है, उन लोगों ने शायद तो फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जो है वो देखी हो। उस मूवी का एक बड़ा मजे का सीन है, वो एक अमेरिकन जापान जो है वो पहुंचता है और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, वो स्पीड मारी होती है उन्होंने 220, वो पुलिस वाले के पास से गुजरते हैं तो अमेरिकन की थोड़ी सी बंद होती है तो पीछे आ जाएगा, तो वो देखता है कि भाई वो रेयर व्यू मिरर में देखता है कि मैंने तो स्पीड मारी और पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरा, पुलिस वाले ने तो गाड़ी स्टार्ट करके पीछे ही नहीं कर रहा। तो हैरान होता है ये क्या है। वो तो जापानीज बंदा साथ में बैठा होता ना, वो कहता है भाई जापान के अंदर पुलिस की गाड़ी फैक्ट्री ट्यून्ड है, 190 से ऊपर नहीं जाती। तो अगर आपकी गाड़ी 190 से ऊपर जा रही है तो पुलिस वाला जहमत ही नहीं करता चेस करने के लिए। क्यों नहीं करता? वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं, इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है वो, जब 220 पे जा रहा है। हमारे यहां भी नहीं करता, हमारे यहाँ पुलिस वाले की बंदूक 1975 की है, तो जहां उसको पता होता है कि सामने चोर वोर या कोई दहशतगर्द खड़ा है, वो 2021 का असला लेके है खड़ा हुआ, हमारा पुलिस वाला भी जहमत नहीं करता। क्यों सर? इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, मतलब क्या फायदा है? मतलब आप यार एक मुझे बात बताएं, लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि दुबई में पुलिस के पास बुगाटी है, तो उनके जो लोग हैं उनके पास भी है बुगाटी। सोचो तुम, यहाँ पे पुलिस वाले को आपने 70 दी हुई है, ऑडी A8 में एक बंदा सिग्नल तोड़ के भाग रहा है, पुलिस वाला बोला रुक 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 बाइक पे। अबे भाई नहीं, अगर आप भी, मैं भी पुलिस वाला हूं, मैं भी बोलूंगा जान दे यार, क्या 200-300 की स्पीड पे मैं 70 उसके पीछे मंड रहा हूं, हंस रहे होंगे लोग पीछे देखकर। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट, इस कॉस्ट को मालूम करने का एक्सपेंडिचर हमारे बारे में नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, अगर शर्फू की मोहब्बत बढ़ गई, मतलब मोहब्बत वही है लेकिन लोड ज्यादा मांग रही है, गलत मत समझिएगा, शरीफ आदमी शर्फू, चोर है लेकिन लॉयल है शर्फू, अगर अब रोज के 2,000 रुपए आउट कर रहा है, आप क्या करें? अब उसकी चोरी रोकना मेरे लिए इकोनॉमिकली वायबल हो रहा है। तो याद रखें कॉस्ट को मालूम करने की कॉस्ट। हमने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, एडमिन का बंदा रखा हुआ है, चाय पिलाता है हमें, उसके पैसे 20,000 रुपए। हमें ये पता है कि अली अहमद के जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, Kaif 3 में और Kaif 6 में, मुर्तजा के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, हमें हर खालिद के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, हमें हर टीचर का एक्सपेंडिचर मालूम है, हमारे पास सब मीटर है लगा हुआ, तो हमें आइडिया है कि कितना बिजली का बिल आ रहा है रूम के अंदर। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे हैं जो बड़े कॉमन किस्म के, लाइक उवैस कासमानी की सैलरी अगेन, गार्ड जो बैठा हुआ उसकी सैलरी, कुछ रेंट। इसको ट्रेस करने का एक हल है, ये देख लें कि वैस किस पेपर के लिए कितने घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन ये मालूम करने के लिए आपको वैस के पीछे एक बंदा जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। 20,000 की सैलरी पर रखो बेटा, वैस के पीछे पीछे घूम, देखो वैस क्या कर रहा है, कितने मिनट बाथरूम जा रहा है, कितने मिनट FR1 के लिए काम कर रहा है, कितने मिनट कॉस्ट के लिए काम कर रहा है, वो ट्रेस कर देगा। लेकिन मसला क्या है, वो जो 20,000 का बंदा आपने रखा है उसके पैसे भी तो हमने आपसे रिकवर करने हैं, उसके पैसे कैसे डिवाइड करेंगे? सर उसके पीछे एक बंदा और छोड़ दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जिसको मालूम करने की कॉस्ट बारे में आ रही है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जिसको मालूम करने की कॉस्ट बारे में नहीं आ रही। अब ये वारे वाला लफ्ज समझ में आता है, पेपर में इसको ड्राफ्ट किस तरह से करेंगे लिखिए, हमने बार रजिस्टर में जाके डायरेक्ट कॉस्ट के डेफिनेशन लिखे। तो आज के बाद खुदा का वास्ता है, जब मैं आपसे पूछूं, एक दो दफा तो गलती आपकी जायज है, तीसरी दफा नहीं कीजिएगा, जो कॉस्ट डायरेक्ट खर्च हो रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये घटिया काम क्लास में नहीं करें, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते किसको हैं, लिखें कॉस्ट विच इज इकोनॉमिकली ट्रेसेबल। ट्रेसेबल तो मेरा बच्चा ये भी थी, ट्रेस तो ये भी हो रहा था, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है, वारे में नहीं आ रहा। शर्फू की चोरी रुक सकती है, कैमरा लगाऊं, गार्ड खड़ा करूं, गया वो बाड़ में, 1,500 बच जाएगा, लेकिन वो 1,500 रोकने के चक्कर में अगर मैं 16,000 10,000 6,000 खर्च कर रहा हूं तो उसकी चोरी रोकना मेरे वारे में नहीं पड़ रहा। तो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल का मतलब क्या हुआ, वारे में आ रही है कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में लिखें, कॉस्ट विच इज इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच इज इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। नीचे एग्जाम्पल लिखे हमने बस प्लीज, फॉर इंस्टेंस पॉइंट नंबर 1, वुड यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर. वुड यूज एज रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर. वुड यूज एज रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर. एग्जाम्पल नंबर टू लिखें. स्टील यूज्ड, स्टील एंड आयरन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स. स्टील एंड आयरन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल. और थर्ड एग्जांपल लिखें, लास्ट एग्जांपल लिखें. अकाउंटेंसी लेक्चरर इन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कॉलेज. अकाउंटेंसी लेक्चरर, ब्रैकेट में जाए तो मेरा नाम नोट कर लीजिएगा, अली अहमद, इन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कॉलेज. ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि ये ट्रेसेबल है. नहीं नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है. वो आसान भाषा में जो खर्चा मालूम करना इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है ना, वो डायरेक्ट कॉस्ट में फेंक दो, और जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में फेंक दो. अच्छा एक बात और बताऊं, शर्फू की चोरी रुक सकती थी लेकिन तुम नहीं रोक रहे थे, क्या वजह था? शर्फू चोरी बहुत कम कर रहे हैं. अगर शर्फू अगर चोरी इसी स्टेज पर रखे ना तो हमारे लिए किसी भी महीने में ये बारे में नहीं आ रही. हाँ, इन द लॉन्ग रन आ जाएगी. लाइक शर्फू अगर 10 महीने तक कर रहा है चोरी तो 1,500 करते करते 15,000 रुपये हो गए. अब हम बोलेंगे यार एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत हो गए. लेकिन चोरी अगर एक सर्टेन लेवल से कम में हो रही हो तो वो चोरी पता नहीं चलती, आंखों में नहीं आती. तो कंपनीज में भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनके बारे में सेठ बोलता है कि अभी यार ये सारा 10 लाख के लिए क्या मेहनत करना. यकीनन जो कंपनी बोल रही है 10 लाख के लिए क्या मेहनत करना, उस कंपनी का साइज फिर अरबों रुपए का होगा. तो हो सकता है कि छोटे बिजनेस के लिए जो एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो वो बड़े बिजनेस के लिए ट्रेसेबल ना हो. बोले यार जाने दो. कंपनी के साइज पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि ट्रेसेबिलिटी उनके कंसर्न में आ रही है कि नहीं आ रही. दूसरी हेडिंग लगाएं अपने पास, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और लिखें इनडायरेक्ट कॉस्ट में लिखें कॉस्ट विच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ट्रेसेबल. कॉस्ट विच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट और सर्विस is called indirect cost. Cost which cannot be economically traceable in a product or service is called indirect cost. Traceability issue नहीं है, economically traceable होना बहुत जरूरी है. ज्यादातर expenditure scientifically method use करके trace हो जाते हैं, लेकिन then again बारे में आना चाहिए. अच्छा सर example लिखें. For instance, plastic use to cover the furniture. Plastic use to cover the furniture. तुम फर्नीचर लेने गए हो, लाख रुपए का तुमने सोफा लिया है, लकड़ी बड़ी हाई क्वालिटी सोर्स की थी, 20,000-30,000 का बड़ा एक्सपेंडिचर वही है, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है. लेकिन हैबिट वालों ने जो प्लास्टिक से उसको कवर किया हुआ है और उस पर स्टेपल बांध के उसको वो किया हुआ है, क्या वो स्टेपल की कॉस्ट ट्रेस कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, फजूल वाला काम है. 100 रुपए का स्टेपल है, 2,000 पिन है उसके अंदर, 10 पिन तुमने 20 पिन मार दी, अब बैठ के बंदा लगा दो तुम पिन गिनो बेटा. 20,000 उसको सैलरी दे रहे हो, वो 2 रुपए की पिन गिन रहा है, तुक नहीं बन रही. बड़ा एक्सपेंडिचर गुड है, प्लास्टिक छोटा एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल लिखें. ऑयल यूज्ड टू लुब्रिकेट पार्ट्स ऑफ मशीनरी in the manufacturing of automobiles. Oil used to lubricate parts of machinery
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। स्टील आयरन की जो कॉस्ट है, जो किट बाहर से आ रही है उसकी तो कॉस्ट है, लेकिन फैक्ट्री में वो जो तेल यूज हो रहा है वो पार्ट्स पे लगाने के लिए, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है, वो ट्रेसेबल नहीं है, जाने दोस्त। और तीसरी एग्जांपल लिखे हैं, अ प्रिंसिपल इन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कॉलेज। प्रिंसिपल कौन है हमारे यहां? वो है सर। अच्छा, इब्राहिम नहीं है। प्रिंसिपल इन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कॉलेज। एक दफा ये क्लास में एग्जांपल लिखवाई मैंने, तो एक बच्चा कहता है सर प्रिंसिपल कैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। तो मैंने कहा बेटा कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ी है कि बड़ी पोस्ट का बंदा है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो सकता, ये तो कॉस्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। सो नाउ यू नो, कॉस्ट को दोस्तों में ब्रेक कर दिया। मोटी मोटी बात करें, डायरेक्ट कॉस्ट और किस बेस पे डिवाइड किया है? इकोनॉमिकली ट्रेस। वेरी गुड। जिस तरह आपने कॉस्ट को इकोनॉमिकल ट्रेसेबल होने पर दोस्तों में डिवाइड किया है, कॉस्ट के हर कॉम्पोनेंट को दोस्तों के अंदर ब्रेक कर दो। मटेरियल भी दो हिस्सों में जाएगा, किन दो हिस्सों में? डायरेक्ट मटेरियल और वो मटेरियल जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है, डायरेक्ट कॉस्ट जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चाय के ढाबे के ऊपर आजकल फ्राइज भी मिलते हैं, आलू बहुत बड़ा कॉस्ट एलिमेंट है, फ्लड आने के बाद तो और महंगा हो गया है, सब्जियां बहुत महंगी हो गई, आलू मेन कॉस्ट में आता है, उस पर जो वो आगे आइटम लगाते हैं वो भी मेन कॉस्ट में आता है, नमक जो उसके ऊपर छिड़क छिड़क के दे रहे होते हैं वो किस में आता है? क्यों, वजह? नमक की कॉस्ट तो है पे सर, 20 रुपए की थैली आती है। अब 20 रुपए की थैली पे तुम चेक करो, 20 दाने मैंने ऐड किए, 0.0004 की कॉस्ट है, जाने दे 20 रुपए, कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। केचप जो आपको दे रहे होते हैं वो किस में आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अरे आप बताए ना, ढाबों में बैठ के चिप्स तो खाए होंगे ना आपने? सर हमने जिंदगी भर चिप्स नहीं खाए। किसी ने तो खिलाए होंगे आपको मोहब्बत में? केचप का एक वो देता है, हमारी कॉम भर भर के जो है वो निकाल रही होती है। अगर वो उसकी कॉस्ट नहीं होती तो वो आपको इतना बड़ा पैकेट रख के उसके अलग पैसे चार्ज कर रहा होता, उसके अलग पैसे चार्ज नहीं कर रहा, वो उसी में शामिल है सर। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, मार्केट में सब्जियां महंगी हो रही हैं, टमाटर महंगा हो रहा है, लेकिन वो जो केचप है वो महंगा नहीं हो रहा, तो तुम्हें किसने कहा कि वो केचप जो है वो टमाटर से बन रहा है? मजाक नहीं कर रहा, कभी चेक कर लेना, जो आपको मार्केट में केचप मिल रहा है आप जरा उसके इंग्रेडिएंट चेक करें, वो आपको लगता है कि वो पिक्चर में लिखा हुआ है ना उसमें वो बने हुआ है टमाटर, लेकिन टमाटर तो महंगे हो रहे हैं, केचप का रेट वही है, तो इसका मतलब यह कि वो यकीनन केचप से नहीं बन रहा। तो अपने इलाके में जरा नजर रखें, कोई अगर फास्ट फूड की दुकान है और मुर्गी महंगी हो रही है और उसका ब्रोस्ट महंगा नहीं हो रहा है, मटन बिरयानी बेच रहे हैं, बकरा साला इधर आउट ऑफ रेंज हो गया, लेकिन उनकी मटन बिरयानी 100 रुपए की, मटन भी अच्छा वाला है, समझ जाए फिर आप क्या खा रहे हैं आप लाहौर में। सर लेबर भी दो तरह का है, कौन कौन सा? डायरेक्ट लेबर और लेक्चरर। डायरेक्ट लेबर तो प्रिंसिपल। एक्सपेंस भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लास्टिक की बोतल। ये क्या है? मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। अभी बताया था मटेरियल का मतलब है तुम प्लास्टिक खा रहे हो, एक्सपेंस है जो चीज मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है वो। अच्छा ये कौन सा वाला एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि अगर मैं पैकेजिंग की बात कर रहा हूं तो ये बोतल इस कंडीशन में नहीं आती है, ये बोतल एक कार्टन के अंदर होती है, वो कार्टन का भी एक पैकेट की कॉस्ट हो रही होती है, तो पैकेजिंग कॉस्ट वो भी है ये भी है। कंपनी के लिए दोनों पैकेजिंग कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की तरह, लेकिन कंपनी इसके हिस्से बनाती है। क्यों? ये जो पैकेजिंग कॉस्ट है इसको बोला जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। क्या बोला जाता है? हर उस चीज को प्राइमरी पैकेजिंग बोला जाएगा जिसमें प्रोडक्ट पैक किए बगैर बेचना इंपॉसिबल है। कोल्ड ड्रिंक का केन प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी है, उसके बगैर बोतल कैसे बेचोगे? अब सेल्समैन जा नहीं पाता उसमें थैले में लेकर तो नहीं घूम रहा होगा। टूथपेस्ट की ट्यूब प्राइमरी है सेकेंडरी है? सर और टूथपेस्ट किस तरह से जाएगा? सुबह दुकान पर तो जाओगे नहीं टूथपेस्ट लेके, ये 2 रुपए का लगा दो, उसको आपको खोल के बेचना पड़ेगा। पानी प्राइमरी पैकेजिंग, हर वो पैकेजिंग जिसके बगैर प्रोडक्ट बिक सकता है वो इनडायरेक्ट पैकेजिंग के अंदर या सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर आती है। आप दुकान में गए, शूज आपने लिए, शूज का एक बॉक्स आपको मिलेगा प्राइमरी पैकेजिंग,
अच्छे वाले शूज लो, बॉक्स भी इतना प्यारा होता, साला अच्छा लग रहा होता, फेंकने का भी दिल नहीं करता। फिर वो आपको ना एक बड़े शॉपर में डाल के वो बैग बना के देता, सर ये आप बैग रखे, आपने 25,000 खर्च किया, आपका हक बनता है बैग, बल्कि हम गाड़ी तक खुद छोड़ के आते। सर वो जो बैग है वो प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में आएगा? तो हर वो पैकेजिंग जो प्राइमरी के अंदर आती है उसको क्या बोला जाएगा, और हर वो पैकेजिंग जो सेकेंडरी के अंदर आती है उसे क्या बोलेंगे? ठेले के ऊपर देसी एग्जांपल मुझे यूज करने दें। आप फ्रूट लेने गए, केले खरीदे आपने, सेब खरीदा आपने, वो थैले में डाल के आपको दे रहा है, वो क्या है, प्राइमरी की सेकेंडरी? भाई अगर उसके बगैर प्रोडक्ट घर लेके जा सकते हो तो वो सेकेंडरी था। क्या थैले के बगैर प्रोडक्ट लेके जा सकते हो? हाथ में लेके जाओगे सारे केले से? नहीं, ऐसा नहीं, थैली चाहिए। उस्ताद शॉपर डबल कर देना उस्ताद। यार देखो ये मत बोलना कि हमें नहीं पता, कभी तो अंडे आपके जो है वो फटे होंगे सिंगल चॉपर में से। तो वो जो शॉपर डबल हो रहा है वो क्या है? वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। वो कभी कभार होता ना, लोग जाते हैं आइटम भी थोड़ा सा खरीदा, एक स्लैंटी देना 5 रुपए की, शॉपर डबल डबल कर देना, मैं बोला पागल मारूंगा भाग यहां से। क्यों सर? वहां पे सेकेंडरी पैकेजिंग बारे में नहीं आ रही है। जब भी दुकानदार की हट रही होती है कि साला ये 1, 5, 10 रुपए की चीज लेने आया, बोला थैली में डाल के दे दो, ये थैली खरीदने आया था सर। तो आपने कॉस्ट के हर आइटम को 200 में ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जितने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे उनको एक जगह पे जमा कर लो। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हमारी जबान में प्यार से प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। सर आज हमने बहुत सारे नाम यूज कर लिए हैं, बेटा वो नाम इसलिए यूज किए हैं कि आज के बाद ना लंबी करने का टाइम नहीं होगा, सिलेबस बहुत सारा है। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा प्राइम कॉस्ट, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये फैक्ट्री के अंदर ही कॉस्ट है। मटेरियल भी है, लेबर भी है, एक्सपेंस भी है, और ये इकोनॉमिकली ट्रेसेबल भी है। तो वो टाइम बच जाएगा हमारा। जब भी आज के दिन में हमें अंडरस्टैंडिंग और नाम इंप्रूव करने हैं। अगेन आज का लर्निंग आउटकम क्या है, दोबारा पूछ रहा हूँ, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मैं डायरेक्ट अपने एक्सपेंस को माइनस कर सकता हूँ, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉस्ट में से सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो आ गया प्रॉफिट। लेकिन मैं कॉस्ट को ब्रेक करता हूँ दो हिस्सों में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किन दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ? प्रोडक्शन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किन दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ? और क्यों ब्रेक करता हूँ? सर जब तक ब्रेक नहीं करूंगा मेरी मेरे एक्सपेंडिचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव, और जब तक खर्चों के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं होगी तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। ये पूरा सिलेबस आपको कारोबार के फैसले करने के मॉडल्स टीच कर रहा है ताकि आप रियल लाइफ में डिसीजन ले सकें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो कहां से लेंगे डिसीजन? सर जिस तरह आपने डायरेक्ट कॉस्ट एक साइड में फेंका, ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूं, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको भी एक साइड में जमा किया जाता है और इनको उर्फे आम में प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोला जाता है। हमारे सिलेबस में पास पेपर में एग्जामिनर के क्वेश्चन में और मेरे पास बोर्ड के सवाल पर हम अक्सर अकात इसको यूं करके नोट कर रहे होते हैं। तो अगर कभी आपको ये OHS लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाना हम क्या बात कर रहे हैं, ओवरहेड्स की। सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स से मुराद सारे ऊपर के एक्सपेंडिचर, ऊपर से मुराद नमक जो तुम चिप्स के ऊपर डाल रहे हो वो ऊपर का एक्सपेंडिचर है, ट्रेसेबल नहीं है, जाने दो यार। फर्नीचर बना रहे हो, प्लास्टिक यूज किया है, स्टेपल की है मशीन, जाने दो यार, ऊपर का एक्सपेंडिचर। ये सारे खर्चे वो हैं जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं हो सकते। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो पिछली 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, 2015 से पहले आया करता था, 15 के बाद से वो कम होना स्टार्ट हो गया, ग्रिड ए के अंदर है। अगर किसी को नहीं पता तो जरा चेक कर ले, ग्रिड ए के अंदर एक वेटेज दी हुई है 35 से 45%। उसमें एक टॉपिक है ओवरहेड्स अपॉर्शनमेंट के नाम से, मैं उसको मजदूर टॉपिक बोलता हूँ। मजदूर टॉपिक इसलिए कि बड़ा अच्छा एरिया है, लेकिन उसमें सवाल में ना क्लास में मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, मजदूरी बड़ी करनी पड़ती है, रजिस्टर भरना पड़ेगा, पास पेपर के अंदर भी, प्रैक्टिस के अंदर भी रजिस्टर भरना है। जिसको रजिस्टर भरना आ गया वो टॉपिक पूरा कर लेगा। एक बकायदा टॉपिक है ओवरहेड्स अपॉर्शनमेंट के नाम से। आपको लास्ट क्लास में जो मैंने पर्चा दिया था ना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा पार्ट सी के अंदर, अगर आप गौर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10 मार्क का परमानेंट सवाल है। अभी ये टॉपिक आना है, आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वहां बात करेंगे। पता है वो टॉपिक क्या है? आज की क्लास में बता रहा हूं, जब भी बोल रहा हूं बहुत बेस लेक्चर है, ये बहुत बेस लेक्चर है, फाउंडेशनल लेक्चर है। उस लेक्चर में हम ये बात कर रहे हैं, उस टॉपिक में हम ये बात कर रहे हैं, 10 मार्क का सवाल इसके बारे में बात करता है।
कि यार वो सारे खर्चों जिनको तुमने इनडायरेक्ट अंदर फेंक दिया था ना, उनको इनडायरेक्ट में क्यों फेंका था? बिकॉज दे वर नॉट इकोनॉमिकली ट्रेसेबल। ये 20 रुपए का एक्सपेंडिचर, 50 रुपए का एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है। लेकिन जरा समझे मेरी बात को, दुकानदार जब महीने के एंड पर अपना खाता खोलेगा ना, तो बोलेगा 50 रुपए का नमक, इतने रुपए का ये एक्सपेंडिचर। लाइक आईक्यू वालों के लिए, जो क्लास में हमें चाय पिलाते हैं ना, ये ओवरहेड्स के अंदर आता है। लेकिन मसला ये है कि आईक्यू वाले हमें चाय भी पिलाते हैं, जूस भी पिलाते हैं, बच्चों के लिए पानी की बोतल भी रखी हुई है। ये छोटे 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 एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअली तो औकात नहीं रखते, लेकिन जब जमा हो जाते हैं ना, तो सेठ को हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। 12 लाख की चाय पी गए टीचर, और फिर वो एडमिन के जो वफादार होते हैं, वफादार अच्छा वर्ड है, मैं कुछ और बोलने लगा था, वो जो एडमिन की जिम्मेदारियां वो उठा रहे होते हैं, वो बोलते हैं सर 12 लाख की चाय तो टीचर पीता नहीं, टीचर तो 6 लाख की चाय पीता, 6 लाख की चाय तो वो जाया कर रहा होता, 2 घूंट मार के बोलता चाय चेंज करके लेकर आओ। तो इंडिविजुअली चाय का बिल बहुत नहीं है, लेकिन जब सारी चाय जमा हो जाती है, चिप्स जमा हो जाते हैं, छोटे मोटे ऊपर नीचे एक्सपेंडिचर, ये मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस, 12 लाख रुपए, इब्राहिम का दिल हिलना स्टार्ट हो जाता है, ये क्या हो रहा है? तो सेठ कह रहा फैक्ट्री में ही होता है छोटे छोटे एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअली तो कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट मटीरियल लेबर एक्सपेंस, लेकिन जब सब मिलाते हो पता चलता है भाई 50 लाख का प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ओवरहेड्स का टॉपिक आपको ये सिखा रहा है 10 मार्क का सवाल, कि अब ये मटेरियल हो गए हैं मिलके, तो अब क्योंकि मिलके मटेरियल हो गए हैं, अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते, हैं इनडायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते, तो तुमने इन ओवरहेड्स को अपनी पूरी फैक्ट्री के अंदर डिवाइड करना है, पूरी फैक्ट्री के अंदर अपोर्शन करना है। टॉपिक का नाम ही यही है, ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट। किस बेस पे करना है? वो जिस बेस पे करना है वो वहां पे जाके डिस्कस होगा। लेकिन आपको एक बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन 2 तरह से होती है, कौन कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट, और ये किस बेस पर हो रही है? बेस्ड ऑन दी इकोनॉमिकल ट्रेसेबिलिटी। अगर इकोनॉमिकल ट्रेसेबल है तो, नहीं है तो। अच्छा, दूसरी बात तुमने सीखी, कॉस्ट के 3 हिस्से हैं, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। हर हिस्से को हमने 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट एंड। अगर सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक साथ लिख दूं तो प्यार से क्या बोलूंगा, और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एक साथ लिख दूं तो क्या बोलूंगा? तो आज के बाद जब भी प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब समझ आए, समझ जाना इसमें सारे ऊपर नीचे के छोटे मोटे खर्चे हैं जो आप जो है वो कर रहे हो। तो चाय के होटल पे जो चिप्स वाला जो नमक आपको डाल के दे रहा है, वो ऊपर नीचे के खर्चे हैं, वो नहीं काउंट कर रहा होता, उसको भी वो रिकवर करता है, वो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं हो रहा। लेकिन एक बात मुझे बताएं यार, अगर महीने में आपके पास चिप्स की सेल बहुत हो रही है, तो वो नमक ही आपके पास पता नहीं जो है वो कितने का आ रहा होगा। बिरयानी वाला आपको आलू एडिशनल डाल के दे देगा, लेकिन बोटी डाल के नहीं देगा, बोटी की कॉस्ट बहुत है, पीस की जो कॉस्ट बहुत है, लेकिन आलू भी तो एक कॉस्ट है, चावल भी तो एक कॉस्ट है, वो भी तो उसने रिकवर करनी है वन वे और दी अदर। तो वो सारी कॉस्ट माइंड में रिकवर करता है, वो कैसे करता है बाद में बात करेंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट 2 हिस्सों में डिपेंड करती है, कौन कौन सी? प्राइम कॉस्ट और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर गंदी सी राइटिंग के अंदर ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको हमारी जबान में कॉस्ट कार्ड बोला जाता है। कॉस्ट कार्ड से मुराद है पर यूनिट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की कितनी आ रही है। ये मैंने लिखा इस फॉर्म के अंदर है। अभी जब आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, इसके लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेंज? मैं बोर्ड के ऊपर एक बकायदा फॉर्मेट बनाऊंगा जिसके टॉप पे लिखा होगा कॉस्ट कार्ड, उसमें आ रहा होगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट। ये बेसिकली जो हमने आज पूरे दिन बात की है, ये हमने सिर्फ इसलिए की है कि आपको ये समझ आ जाए कि हमने सस्ता बना के महंगा बेचना था ना, तो बनाने की कॉस्ट कितनी है वो मालूम करने के लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट कार्ड। ये इफेक्टिवली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछे सर ये फंक्शन किस चीज का है, ये कॉस्ट कार्ड का है जो मैंने बहुत बेसिक फॉर्म के अंदर लिख दिया। अगर मैं इसको बेसिक फॉर्म से एक्सपेंड करना स्टार्ट करूं, आप लोगों ने ये छाप लिया सारा? चले मैं काम करता हूं, आपको 5-10 मिनट जो है वो देता हूं। काइंडली ये सब चीजें एज इट इज छापना स्टार्ट करें, राइटिंग क्योंकि आपको पता है मेरी डॉक्टर वाली है, तो कोई चीज आपको ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। ये सब चीजें बारी बारी नोट करना स्टार्ट करें, और प्लीज मैंने यहां पे ना कुछ चीजों में हेडिंग नहीं लगाई है, लेकिन अगेन ये कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस है? वेरी गुड, जोड़िया बाजार, यही लिखना। ये कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये कॉस्ट को किन 2 हिस्सों में ब्रेक कर रही है? तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने लेक्चर में बोली है, ये नीचे देसी जबान में नोट कर लेना, बिलीव मी नोट कर लो, बहुत काम आएगी, शर्मिंदगी की बात नहीं है।
ये कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। ये कॉस्ट को किन दो हिस्सों में ब्रेक कर रही है? वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। ये एक्टिविटी डिपेंडेंट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट आ रही होती है, कौन कौन सी? वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आ रही होती है, कौन कौन सी? फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स। तो हमारी घर इस बात से नहीं है, तो हमें कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है। उसके बाद जाके आप सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है उसका ब्रेकअप नोट करेंगे। काइंडली जरा ये नोट कर लें, ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में बता दें, तलहा कैमरा उसी हिसाब से जो है वो मोड़ देगा आपको कहां देखना है क्या देखना है। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आज हमने क्या बात की है, क्योंकि मुझे एंड में एक चीज आपको थ्रो करनी है ताकि आप थोड़ा सा जो है वो परेशान होकर घर जाएं। एक सवाल लेकर परेशान नहीं, मेरी मुराद है कि आप बोले अच्छा भाई ये भी एक चीज है सोचने वाली। मैं अगर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है ना, मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। किन दो चीजों की? सेल्स और कॉस्ट। मैं जितनी इनकम हुई है उसमें से खर्चा निकालूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा, गेम ओवर। खर्चे की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए खर्चों को मैं डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं। एक मेथड ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, खर्चों को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। कौन कौन से? प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। हर वो खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो फैक्ट्री के बाहर हो रहा है वो। ये मैं बहुत जनरल रिविजन आपको करवा रहा हूं, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, लाइक यू नो दिस कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यहां बोर्ड पर नॉन प्रोडक्शन में लिखा हुआ है, हर कंपनी में नॉन प्रोडक्शन में नहीं है। अगर अकाउंटिंग फर्म है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर आ रहा होगा। यू नाउ नो द डिफरेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी हम खर्चों को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, कौन कौन से? फिक्स और वेरिएबल। ये कॉस्ट को चेंज कर रहा है बिहेवियर के हिसाब से। अगर इन दोनों मेथड्स को मैं आपस में मर्ज कर दूं तो ये मर्ज भी हो सकते हैं। लाइक फिक्स एक्सपेंडिचर के अंदर फैक्ट्री के खर्चे भी आते हैं, हेड ऑफिस के भी खर्चे आते हैं, वेरिएबल का भी सेम है, फैक्ट्री के भी आते हैं, हेड ऑफिस के आते हैं। मुझे इस बात से गर्ज नहीं होता कि फैक्ट्री के हैं कि हेड ऑफिस है, मुझे गर्ज जो है वो किस बात से? उनके बिहेवियर से। एक्टिविटी के साथ चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट, नहीं चेंज हो रहा फिक्स कॉस्ट, दोनों चीजें फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं इसमें भी जनरल बात कर रहा हूं, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके पास है। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो दोनों जगह फॉल कर रहे होते हैं, जो दोनों जगह फॉल कर रहे होते हैं उसमें एक हिस्सा वेरिएबल का होता है और एक हिस्सा फिक्स का होता है। उसको वैसे हमारी जबान में सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। बिजली का बिल पूरा महीना बंद रखूंगा फिक्स भी है, पूरा महीना ऑन करूंगा तो फिक्स तो आएगा आएगा, वेरिएबल भी आएगा। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर इस तरह के होते हैं। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने बात की भाई कॉस्ट के दो हिस्से हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और ये क्लासिफिकेशन है। किस बेस पर हो रही है? ट्रेसेबिलिटी के ऊपर। ट्रेसेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिकल ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको क्या बोला जाएगा? जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको क्या बोला जाएगा? तो ये भी जनरल रिविजन है, अंदर की कॉम्प्लिकेशन तुम्हें आइडिया हो गया है। सर ये इनडायरेक्ट, वैसे तो इनडायरेक्ट है, छोटे एक्सपेंडिचर हैं, आटे में नमक के बराबर, लेकिन नमक की कॉस्ट इन द लॉन्ग रन अगर बहुत सारी हो जाएगी तो वो सारे खर्चों को जमा करना है। 12 लाख रुपए की चाय पी गए सब टीचर, 6 लाख रुपए की फोटोकॉपी हो गई। ये छोटे छोटे एक्सपेंडिचर अगर 1 करोड़ रुपए के हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे सिलेबस में पूरा एक टॉपिक है ओवरहेड्स अपॉर्शनमेंट के नाम से। अपॉर्शन का मतलब डिवाइड करना, बांटना। तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर को भी तो रिकवर करना है। देखें ये रियलिटी है, आप जब आईक्यू को फीस दे रहे होते हैं ना तो उसमें सिर्फ अली अहमद की सैलरी नहीं निकल रही, उसमें कॉलेज की सारी सैलरी बाहर आ रही है, उसमें एसी का बिल बाहर आ रहा है, ये जो हम क्लास में चाय पीते हैं ये भी आपसे रिकवर किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है ऐसे तो रिकवर नहीं होता, क्या आप आए और आपको बोले यार जरा 100 रुपए निकाल सर ने जो है वो चाय पीनी है, ऐसा नहीं होता। वो हम फीस के थ्रू रिकवर करेंगे, लेकिन हम फीस के थ्रू तब रिकवर करेंगे जब काम स्टार्ट करने से पहले, दुकान खोलने से पहले मेरे पास कॉस्ट कार्ड बना होगा। अगर मेरे पास कॉस्ट कार्ड नहीं बना था पता क्या हो रहा होगा? कॉलेज को बाद में पता चलेगा यार हमने तो चाय अपनी जेब से पिला दी, कॉलेज को बाद में पता चलेगा यार हमने बच्चों को ज्यादा एसी में बिठा दिया, फीस में एसी की रिकवरी नहीं हो रही, बंद करो एसी, एक एसी ऑन करो। कॉलेज को बाद में पता चलेगा जो खर्चे करने के थे वो खर्चे हमने गलत जो है वो कर दिए। वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं आपको, चलें बताना नहीं कि मैंने बताया। हमारे कॉलेज में, इसी कॉलेज में एक दफा आपको याद होगा बीच में हीट वेव आई थी बहुत ज्यादा, गर्मी बड़ी पड़ी, तो वो बॉस आए एक दिन, दोस्ती हमारे अपने, उन्होंने एडमिन को बोला यार ये बाहर नींबू पानी रखवाओ बच्चों के लिए ना, जरा कॉलेज की एक्टिविटी, वो सर को ना अच्छा लगता है उनको कि भाई बच्चों को जहाँ सपोर्ट दे सकते हैं दें। और ये रियलिटी है, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने खुद भी जो है वो देखा है। लास्ट टाइम मैंने बाकायदा फड्डा किया था एक बात के ऊपर कि यार वो पेपर बुक हमने लॉन्च किया, सर के बोले पे मैंने बुक जो है वो लॉन्च की,
और बुक की कॉस्ट मैंने कहा बच्चे को बेयर करनी पड़ेगी तो आप सब्सिडाइज कॉस्ट पे दें, तो सर ने सब्सिडाइज कॉस्ट पे अरेंज करवा दी। ये इब्राहिम की मैं बात मान, तो इब्राहिम भाई सेठ सेठ होता है वो बॉस की तरह है, बोला यार ये गर्मी पड़ रही है बाहर लींबू पानी का वो रखवाओ भाई, बोल के जो है वो निकल गए। वो प्यून ने जाके एडमिन के बंदे को बोला अकाउंट ऑफिसर सर वो लींबू पानी का, बोला पागल आगल हो गया कि लींबू का रेट तो देख। एडमिन वाले ने बोला भाई बात सुन, लींबू 500 रुपए चल रहा है, मिल नहीं रहा मार्केट में, उसमें भी रस नहीं आ रहा, बीच में लींबू बड़ा महंगा हो गया था वो हीट वेव, हम आपको पता ना हमारे यहाँ जो चीज का मौसम चल रहा है वो महंगी होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसने कहा वो जो टैंकर रखने का बोल रहा है ना वो पड़ जाएगा 20,000-30,000 रुपए का, खर्चा रिकवर नहीं होगा। तो उसने फिर बोला क्या करें, उसने कहा भाई ये बाद में जब बिल आएगा ना जब वो साइन कर रहा होगा तब वो गालियां देगा कि मैंने बोला था तो कम से कम मुझे बताओ तो सही। जाहिर सी बात है वो थोड़ी मार्केट में घूम रहा, उसको क्या पता है लींबू का रेट क्या है। तो बादशाह आदमी उसने आगे बोला पिलाओ सबको लींबू पानी, तो भाया सर लींबू मार्केट में नहीं मिल रहा, 1,000-1,500 रुपए का लींबू मिल रहा है, तो फिर क्या करें। उसने कहा सर वो, उसने कहा सेठ ने बोला पानी तो रखवाना है यार, मतलब कुछ तो करो, बच्चों के लिए इतनी गर्मी है और बच्चे इतना वो होते हैं बेचारे। उसने कहा सर रूह अफजा रखवा दें, तो वो अब देखेंगे एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, सेठ ने कॉस्ट कार्ड नहीं देखा, अबे आपको क्यों रखा है। ये थोड़ी होता कि सेठ ने बोला कि लींबू पानी रखवा दे तो आप मार्केट में जाके 1,00,000 रुपए का लींबू लेकर आकर बोलेगा तो मेरा कॉलेज बंद करा देगा, ऐसा लींबू मुझे नहीं चाहिए, तेल निकाल दिया इस लींबू ने। तो उसको एडमिन ने बताया कि सर वो कॉस्ट कार्ड के अंदर वारे में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अगर ये ए लेवल कॉलेज होता, अगर आपकी महीने की फीस 25,000 रुपए पर पेपर होती, वहां इतनी फीस होती है 25-30,000 पर मंथ, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग रखते हैं 1-2 लाख का, साला हमारा तो 1-2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट में पूरा कैफ हो जाए। कोई बहुत ज्यादा फेल होकर कर रहा है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और ए लेवल कॉलेज की महीने की फीस ऐसे ही है। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन बहुत है, अब तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं पैसे हम देते हैं आप आ जाओ। तो कॉस्ट कार्ड में बारे में आना जरूरी है, तो हाँ हो सकता है तब लीमू हमारे बारे में आ जाते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉस्ट कार्ड होना, क्योंकि जब तक कॉस्ट कार्ड नहीं है तब तक तुम्हें गेम समझ में नहीं आएगी। सर इसी कॉस्ट कार्ड को मैंने आपसे कहा, ये जो मैंने गंदी फॉर्म में लिखा है ये कॉस्ट कार्ड प्रॉपर फॉर्म में बनता है, वो किस तरह से बनता है सर, ये आपके सामने मैंने कॉस्ट कार्ड बनाया। नाउ आज के बाद एक बात याद रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये बार बार बोलना तुक नहीं बनती है, जब भी हम कॉस्ट कार्ड बोल रहे हैं इसका इफेक्टिव मतलब पता क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। इस कॉस्ट कार्ड में सबसे पहला आइटम आता है डायरेक्ट कॉस्ट का, मैंने ये लंबी करके बात की है, तोड़ दिया मटेरियल लेबर एक्सपेंस डायरेक्ट कॉस्ट, कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, 50 रुपए का रॉ मटेरियल खर्च हो रहा है, लेबर को हर यूनिट के 20 रुपए दे रहे, पैकेजिंग की कॉस्ट हर यूनिट की 20 रुपए आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी 90 रुपए। सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक साइड पर जमा करते हैं, प्यार से क्या बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। तो अगर यहां प्राइम कॉस्ट भी लिखा होता तो आप कोई परेशान नहीं होते, आपके रजिस्टर में आपकी बुक में दोनों नाम यूज हुए हैं, कहीं पे प्राइम कॉस्ट बोल रहा है कहीं पर, बट यू नो द ड्रिल। सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब एक साइड में जमा करता हूं तो उसे क्या बोला जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन हम लोग अपने कॉस्ट कार्ड में जो पर यूनिट बन रहा है, ये सारी की सारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। हालांकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, हम इस प्रोडक्शन कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है, कौन कौन से, वेरिएबल और फिक्स्ड। सर ये हरकत आपने यहां नहीं करी, ये हरकत मुझे यहां करने की जरूरत नहीं है, चाय बनेगी तो दूध का खर्चा आएगा, चिप्स बनेंगे तो आलू का एक्सपेंडिचर आएगा, चाय बनेगी तो लेबर काम करेगा, चाय बनेगी तो प्लास्टिक के कप में बाहर निकलेगी, पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर मेरे पास आएगा। इसका मतलब बाय नेचर सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट बाय नेचर बाय बिहेवियर वेरिएबल होती है। अगर एक दोस्त की दुकान वाला 1,00,000 बर्गर बना के बेचे तो उसके बन की कॉस्ट, गोश्त की कॉस्ट 1,00,000 यूनिट के हिसाब से आएगी, और पूरे महीने काम ना हो तो किसी किस्म की कॉस्ट नहीं है। जाती बात है आपने कोई पैसा तो खर्च नहीं किया, वो मुर्गी बन सब आपके पास वेयर हाउस के अंदर है पड़ा था, एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट बाय नेचर क्या है, वेरिएबल। सर ओवरहेड दोनों तरह के हो सकते हैं, वो बोर्ड में भी लिखे हुए, प्रोडक्शन ओवरहेड दो तरह के, फिक्स ओवरहेड में दो तरह की कॉस्ट आ रही है, कौन कौन सी, प्रोडक्शन कॉस्ट और
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल और फिक्स। इसकी आसान एग्जांपल दूं, अभी तुमने बात की है यार, अभी बात की है, फैक्ट्री का बिजली का बिल। पहला बात, वो बिजली का बिल फैक्ट्री का है तो कहां पर आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में। और पूरे महीने फैक्ट्री बंद करूं, बिल आएगा? लाइन रेंट बिल्कुल आएगा। और अगर फैक्ट्री ऑन करूं तो बिल आएगा? सर दोनों आएंगे, लाइन रेंट भी आएगा और बिजली का बिल भी आएगा। इसका मतलब हर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट दो हिस्सों में ब्रेक होगी, वेरिएबल और। अच्छा, वेरिएबल की मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुम बोल रहे हो एक्टिविटी डिपेंडेंट, और सही बोल रहे हो। तो हर यूनिट, जितने यूनिट बनेंगे उतनी कॉस्ट आएगी। तो एक यूनिट के ऊपर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक यूनिट के ऊपर 30 रुपए आ रही है, कितनी कॉस्ट हो गई? 120 रुपए। तो आज आपने ये भी सीख लिया, डायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन मिलाओ तो क्या बनता है? प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल के लफ्ज का मतलब यही है, एक्टिविटी होगी तो कॉस्ट आएगी, वरना कॉस्ट। असल फड्डा, जो असल सवाल आज मैं आपको दे के भेज रहा हूं, वो इस चीज का है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। रेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में आती है, नॉन प्रोडक्शन में आती है? मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं है, आप पहले बोले सर सवाल मुकम्मल करें, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं। हेड ऑफिस के रेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में आती है, नॉन प्रोडक्शन में आती है? वेरी गुड। फैक्ट्री के रेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में आती है, नॉन प्रोडक्शन में आती है? फैक्ट्री की कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड में आती है, यहां फॉल करती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है? वेरी गुड। तो आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि फैक्ट्री का रेंट अगर मैं क्लासिफाई करूं तो पहली चीज, एक तो फिक्स है, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारा रेंट आ रहा है 5 मिलियन, क्या करूं? मैं कॉस्ट कार्ड बना रहा हूं। कॉस्ट कार्ड का मतलब क्या है? हर आइटम की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास थी, 120 रुपए आ गया। सेलिंग प्राइस तो बाद में आएगी, पहले मालूम दो कॉस्ट कितनी है। अब 5 मिलियन के साथ क्या करूं? यहां पे जाके लिख दूं 5 मिलियन, इसका मतलब एक चाय का कप 50 लाख 120 रुपए का बन रहा है। कस्टमर आएगा तो उसको 51 लाख का बेचना। अबे चाय का, अबे क्या है, ऐसा हो सकता है? इंसाफ है? तुम फीस जमा करवाने गए नीचे अकाउंट ऑफिस में, उमर को तुमने बोला कितनी फीस है कॉस्टिंग? उमर ने कहा यार 5 लाख 18 हजार रुपये। 5 लाख 18 हजार क्यों? उतने अगर हमने कॉस्ट कार्ड बनाया उसमें अली अहमद के पैसे, बिजली का बिल, सब कुछ, रेंट भी आ रहा है 5 लाख का। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसा बोलेगा यार क्या पूरे कॉलेज में मैं अकेला घूम रहा हूँ, 5 लाख का सारा रेंट तो मुझसे ले रहे हो, तो बराबर वाला क्यों नहीं दे रहा रेंट? उमर ने कहा हाँ यार ये मसला हो गया, उससे भी रेंट लेंगे, एक काम कर 2.5 लाख तू दे दे 2.5 लाख, जो पहला कस्टमर आएगा रेंट उससे लेंगे। तो फिर पहला कस्टमर ही नहीं आएगा, वो बोलेगा बाद में ही आते हैं, और सब बात का वेट करते रहेंगे और कहीं और निकल जाएंगे। वैसे कि ना इंसाफी है, सारा रेंट एक कस्टमर से रिसीव करेंगे नहीं। अब क्या करूं मैं सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोग के इलेक्ट्रिक तो है नहीं कि आप बिजली इस्तेमाल कर ले और 4 महीने बाद आपको बोले यार वो हमने हिसाब लगाया अभी, वो 4 महीने पहले फ्यूल महंगा था हमें नहीं पता था। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आप ये 20,000 रुपए और दे दें। के इलेक्ट्रिक तो ये कर सकती है, हम नहीं कर सकते। सोचो तुम आईक्यू से पढ़ के निकल जाओ और फर्म में जाओ और तुम्हें आईक्यू में यहाँ ओवैस कस्मानी फोन करे यार वो आपने कैश पढ़ा था, हमने अभी हिसाब लगाया है, वो हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर ज्यादा था, वो 20,000 फीस और दे दें। तुम बोलेगा अबे पागल, मैं कॉलेज में था तो नहीं दे रहा था, मैं कॉलेज से बाहर जाके फीस दूंगा तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ? मसला ये है। तो आपने बोला सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड कर दें, आपने बोला सही है, लेकिन मसला ये है कि मुझे आपकी फीस स्टूडेंट एडमिशन से पहले मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको फीस पहले कोट करनी है, एडमिशन के बाद नहीं कोट कर सकता। क्या फीस पूछने जाए भाई कितनी फीस है, वो बोले अभी हम वेट कर रहे हैं एडमिशन लॉक होगा फिर बताएंगे, आप बोलेंगे तो ये क्या मसला है भाई, फीस पहले बतानी है। अगर पहले बतानी है इसका मतलब ये हुआ इस 5 मिलियन को कस्टमर आने के बाद डिवाइड नहीं करना कस्टमर आने से, तो अगर कस्टमर आने से पहले डिवाइड करना तो हम फंस गए, अब नहीं पता कितने कस्टमर है। तो आपको सेठ ने बोला अंदाजा लगाओ, क्या लगाओ? अब पहली बात याद रखना, तुम्हारी फैक्ट्री में जो कॉस्ट कार्ड बन रहा है जिसमें तुमने कॉस्ट निकालनी है, मुनाफा ऐड करके कस्टमर को 80 रुपए की पानी की बोतल सेल करनी है, इस पूरे कॉस्ट कार्ड में एक आइटम अंदाजे की बेस पे ऐड हुआ है। क्या अंदाजे में ऊंची नीच होती है?
हमारे सिलेबस में जिस अंदाजे में जब ऊंच नीच होगी, इसको हमारे सिलेबस ग्रेड ए के अंदर ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब बोला जाता है। यही अंदाजा जब ऊंच नीच होगी तो ग्रेड बी के अंदर इसको फेवरेबल और एडवर्स वेरियंस बोला जाता है। तो आज की क्लास में जो आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, उस अंदाजे के अंदर जो ऊंच नीच है आपने उसका हिसाब भी रखना है। अक्सर अगर फाइनेंस वालों की जॉब पोस्टिंग आती है तो जॉब टाइटल लिखा होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। हमें कई साल बाद जाके ये बात समझ आई कि किसी से ये पूछा कि भाई फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या काम करता है, इफेक्टिवली स्पीकिंग क्या काम करता है। उन्होंने कहा वेरियंस निकाले थे, हमने कहा हाँ। बोले बस वो अपनी फील्ड में डिफरेंट टाइप के वेरियंस बाहर निकाल रहा होता है। जब भी तुम्हें एक्सेल आनी चाहिए तब हमें समझ आया अच्छा भाई एक्सेल इस दिन आती है काम में, तो आप इफेक्टिवली स्पीकिंग अंदाजे का उस नीच जो है वो निकाल रहे हैं। तो होता क्या है, ये फिक्स ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर है 5 मिलियन का, एक अंदाजा लगाया जाता है, अंदाजा कि यार हम आने वाले साल में ना एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख यूनिट बनाएंगे। अगर मेरा अंदाजा एस्टीमेट 1 लाख का है तो 50 लाख को अगर मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास क्या आ रही है, 50 रुपया। इस पर यूनिट रेट को जो आपने एस्टीमेट की बेस पे ऐड किया है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, हमारी फील्ड में प्यार से OAR भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन के वर्ड का मतलब ही यही है कि आपने ये कॉस्ट, बस ये छोटी सी बात याद रखना, जबान बहुत काम की है यहां। आज के बाद में जब भी बोलूं भाई एब्जॉर्प्शन रेट क्या है तो 20 रुपए हो, 100 रुपए हो, जो भी हो, समझ जाना अगर एब्जॉर्प्शन रेट का वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब ये कॉस्ट, और पर यूनिट एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ रही है, 170। इसमें तुमने अपना जायज मुनाफा ऐड किया 30 रुपए का, कॉस्ट कार्ड वैसे बंद हो गया, ये मैं बात की कहानी बता रहा हूं, और 200 रुपए तुमने सेलिंग प्राइस रखी, हर यूनिट पे कितने का मुनाफा। अगर नंबर ऑफ कस्टमर कम आए तो हर कस्टमर से तुम 50 रुपए रिसीव कर रहे थे 5 लाख रिकवर जो है वो करने के लिए, 50 लाख रिकवर करने के लिए। कैलकुलेटर में मोटा मोटा हिसाब लगा के मुझे बताओ, मोटा मोटा अगर 80,000 कस्टमर आया तो क्या होगा, 80,000 कस्टमर आया तो हर यूनिट में 50 रुपए तुम कस्टमर, 200 रुपए आते हैं ना, 50 रुपए तुम गल्ले के अंदर फेंक देते हो, 50 रुपए रेंट की मद में रिकवर कर रहे हो। अगर 80,000 कस्टमर आया तो क्या होगा, 80,000 × 50 कितना पैसा बनता है, 80,000 × 50 कितना, 40 लाख। रेंट कितना है तुम्हारे पास, रेंट कितना रिसीव हुआ, 40, और रेंट है कितना, ये 10 लाख तुम कहां से दोगे, ये 10 लाख तुम अपने मुनाफे से बाहर निकल के दोगे। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, लाख कस्टमर अंदाजा लगाया था साल में आएंगे, 1,05,000 आ गए, 1,05,000 × 50 कितना बनता है, 5.25 मिलियन, 52 लाख रुपया। रेंट कितना है, 50 लाख रेंट दोगे, 2.5 लाख रुपया बच गया, क्या करोगे इसके साथ, घर लेके जाओगे, वापसी नहीं करना। ओ भाई वापसी इसलिए नहीं करना कि अगले पीरियड में बच्चा कम भी आ तो आएगा, वो आपने वहां पे ऑफसेट करना है। ये जो मैंने आपको देसी जबान में बड़े एवरेज मेथड से बात बताई है, पूरा एक टॉपिक है, मैंने आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया दिया है, ये इसको ओवर अंडर एब्जॉर्ब बोला जाता है, लेकिन ये अंदाजे की बेस पर है। दूसरी बात, ये क्या चीज है, कॉस्ट कट का मतलब क्या है, कितनी आ रही है पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन इस 170 में एक कॉस्ट ऐसी है OAR जो आपने एस्टिमेट की बेस पे ऐड की है। एस्टिमेट कितने का था, अगर ये एस्टिमेट 1 लाख का ना होता, अगर ये एस्टिमेट 2 लाख का होता मिसाल के तौर पे, तो क्या मेरी कॉस्ट तब भी यही आती, 25 रुपए आती, टोटल कॉस्ट मेरी 145 आ रही होती, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ, आज के बाद याद रखना जब भी कॉस्ट कार्ड बनेगा ना, एग्जामिनर हर सूरत ये बात आपके साथ शेयर करेगा कि ये कॉस्ट कार्ड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका पासिंग रेशो 35-33% होता है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का, इसको इंप्रूव करने के लिए अपने आपको वो मिलिट्री के जबान में बोलते हैं वॉर रेडीनेस, कि आपकी फौज तो है लेकिन क्या फौज जंग के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने ना जंग के लिए तैयार रहना है, आपने डेफकॉन लेवल 1 के ऊपर जो है वो काम करना है, कि अगर कल को कॉल आ जाए ना एग्जाम की तो आप परेशान ना हो, आप बोलो मेरी तैयारी इस वक्त उस स्टैंडिंग पर है जो फरवरी के महीने में होती है। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, तो हम थोड़ा पेस को तेज रखेंगे, तो प्लीज ब्रेस योरसेल्फ फॉर दैट। ये ना हो कि आप बीच में जरा से हल्के पड़े, ये शुरू के महीने में जो मेहनत करेंगे ना मेरे बच्चे, हमें जनवरी फरवरी में सुकून मिल रहा होगा।
सबसे बड़ा कॉस्टिंग का मसला है, लोग सही सवाल सॉल्व करने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल अचीव नहीं कर पाते। मैं चाह रहा हूं पेपर तो पास हो जाता है, मैं चाह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएं, कि फेल भी हो तो बच्चे को बोल के नहीं यार इट वॉज अ बैड डे फॉर मी, मेरी तबियत खराब थी, बहुत पढ़ लिया, नींद पूरी नहीं हुई, मुझे चीजें लेकिन आती हैं, ऐसा कोई सवाल था नहीं। कल मैं शाम में ना आई विश के मैं आपके साथ यूट्यूब के ऊपर होगी आप देख लीजिएगा, कल कैफ सिक्स की ओरिएंटेशन थी ना, तो कैफ सिक्स में जैसे वो कैफ थ्री के बच्चे की था सारा, तो मैंने उनसे पूछा हाँ एग्जाम जो है वो कैसा हुआ, तो वो मजा आ रहा था पुराने बच्चों से आपको पता फिर बात करने में एक अलग ही पूरी कहानी, छह महीने की हिस्ट्री होती है। तो पेपर दे दिया है सबने, तो एक बच्चा था आलियान, उसने बड़ी मजे की बात बोली, कह रहा है सर पेपर देख के ना ब्लास्ट हो गई थी, कह रहा हो तो गया, कह रहा है सर मैं घर आया ना तो अगले दिन FR1 पता नहीं कौन सा एग्जाम देने के बाद, कह रहा मैंने कॉस्टिंग का पेपर दोबारा खोला ना जब, तो कह रहा यार उसमें एक सवाल मैंने देखा ओवरहेड का लिमिटिंग का, वो सवाल मैंने बोला यार ये तो मुझे आता था, कह रहा सर पेपर में मैं फंस गया था सवाल में, स्टक हो गया, कह रहा कर तो लिया लेकिन जब मैंने घर आके सवाल खोला ना तो घर आके मुझे सवाल को देख के कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो मैंने उसको याद दिलाया कि ये हरकत होती है और आपकी क्लास में भी होगी, आप जो है वो देख लीजिएगा, बच्चों का पास पेपर सॉल्व करवाओ ना और बोलो कि भाई ये वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वेश्चन था, एग्जामिनर कमेंट दिखाओ, तो बच्चे क्लास में बोलता है सर पता नहीं क्यों था तो इतना आसान है, बेटा क्लासरूम के अंदर मुश्किल तरीन सवाल भी आसान लग रहा होता है और एग्जाम रूम के अंदर जब माँ बाप साथ नहीं होते तो आपको आसान सवाल भी मुश्किल लग रहा होता। तो बच्चे ने कल ये बात बाकायदा कन्फेस किया कि सर साला वो सवाल मुझे आते थे, मेरी प्रैक्टिस थी, मैं एग्जाम के दो दिन बाद देख रहा हूं तो मुझे वो लग रहा है कि यार ये तो हल्का आया पेपर, कह रहा मैं एग्जाम से आया ना मुझे लगा बड़ा मुश्किल पेपर है, कह रहा मैंने दो दिन बाद दोबारा पेपर देखा मैं कह रहा था भाई तो बहुत आसान पेपर आया। एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट मुख्तलिफ किस्म का होता है, मैं ये बता दूं, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो आपने डील करनी है। बहरहाल इसको यहीं तक रखें, कल इंशाल्लाह इसको यहीं से हम आगे पुश करेंगे और इन सब चीजों का रिकैप होगा। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि एक नजर रजिस्टर में जो जो आइटम आपने लिखा है वो रीड करके आइएगा, और अगर आप रजिस्टर में वो बातें नहीं लिख रहे जो बातें मैं बोल रहा हूं और बोर्ड पे नहीं है तो काइंडली उनको नोट करना स्टार्ट करें, वो जो छोटी छोटी बातें बताई हैं वो भी नोट किया करें रजिस्टर के अंदर। जी मेरे भाई अब मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी तो शुरू में ही ऑल्टरनेटिव क्लास लगाएंगे, एक दिन कैफ थ्री कैफ सिक्स, तो आप लोगों की हफ्ते में दो से तीन क्लासेस होंगी लेकिन इस हफ्ते के एंड तक ना टाइम टेबल बन जाएगा क्योंकि अभी पीआरसी के बच्चों ने एग्जाम दिया है तो भी एक बैच और भी आपके पास जो है वो इंटीग्रेट होना है, तो वो अभी कल मेरी मुर्तजा से बात हो रही थी, ये लोग अभी डिसाइड करेंगे कि उनकी अलग क्लास करनी है क्या करना है, क्योंकि उनको भी आपके साथ जो है ना वो इंटीग्रेट करना है, तो अभी एक दो क्लासेस होंगे तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर आपके पास लाइन से टाइम टेबल आएगा चार पांच दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम टेबल ना मजबूरी भी हमारी फिक्स होता है क्योंकि हम सबका अपना अपना एक स्लॉट बंधा हुआ है, तो उसके हिसाब से क्लास में टाइम टेबल होगा। चार दिन मंडे टू थर्सडे मेरी लाइन से क्लास होती है।